मजबूत शुरुआत के बाद बेहद सुस्ती के साथ सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबारी, ये है अब तक की पूरे दिन की कहानी। लेकिन आखिरी डेढ़ घंटे इस कहानी में क्या किसी और ट्विस्ट आएगा? 9000 के पार निकलकर टिकेंगे या फिर 8800 की तरफ बढ़ेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आए थे, वहां पर बाजार का रिएक्शन है। दो और दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आने वाले डेढ़ घंटे में आने चाहिए, तो वहां पर नजर रहेगी। अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है ये भी उनसे जानेंगे। पर सर, इस समय बाजार की पांच बड़ी बातें क्या है? देखिए दीप, बड़ी बातों में यही कि मजबूत शुरुआत के बाद बाजार बेहद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा एक्शन बाजार में इस वक्त होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये कहना होगा कि मजबूती के साथ टिके हुए हैं बाजार, लाल निशान में नहीं फिसले, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। सुबह का पहला मिनट छोड़ दें, उसके बाद लगातार बाजार मजबूत रहे। इनफैक्ट 8900 के नीचे भी नहीं गए हैं, हाँ 9000 के पार भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो पूरे दिन भर 100 अंकों के इस दायरे में निफ्टी ने कारोबार किया है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 17400 17500 के नजदीक आते ही तुरंत खरीदारी आती है और 17700 के नजदीक आते ही तुरंत बिकवाली भी। लेकिन इसी रेंज में 17500 17600 के बीच में ज्यादातर वक्त बैंक निफ्टी बिताता हुआ नजर आ रहा है, ये इस वक्त का रुझान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, तो बाजार में कारोबार बेहद इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। सेक्टर वाइज आप देखिए, फाइनेंशियल शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। ऑयल एंड गैस ऑटो शेयरों में आज अच्छी खरीदारी है, यहाँ से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। सरकारी बैंकों को छोड़ दे तो बाकी सारे इंडेक्स इस वक्त हरे निशान में है, खाली सरकारी बैंकों को छोड़कर। रुपए में लगातार यहाँ पर तेजी मजबूती बनती हुई दिख रही है करेंसी मार्केट में, और रुपए में 15 पैसे की बढ़त इस वक्त दिखेगी। और यूरोप के बाजारों की शुरुआत 0.5% की गिरावट के साथ इस वक्त होती हुई दिखी है। ये है अब तक का कारोबार और ये है अब तक की बड़ी बातें दीप। बिल्कुल अनिल जी, और फार्मा स्टॉक्स में कुछ एक्शन आ रहा है, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स भी आपको अच्छे दिखे हैं, तो देखते हैं वहां पर क्या स्पेस आते हैं। बट सर, इस जो एक्शन है इसको किस तरह से रीड करें? बैंक निफ्टी में कमजोरी है तो हमें दो दिन के ट्रेड से पता चल रहा है, और वैसे भी जो ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों का, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों का, बैंक निफ्टी पर तो प्रेशर है। पर निफ्टी लगातार दो दिन 8900 को डिफेंड कर रहा है, बल्कि वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सपायरी से पहले क्या एक्शन बनता हुआ दिख रहा है सर इस समय? क्या 8900 एक अच्छा फ्लोर दिख रहा है बाजार के लिए? दीप एक्चुअली है ना, मुझे 8900 की बहुत अहमियत नहीं दिखती। मेरे लिए अहमियत वैसे तो 9000 की सबसे ज्यादा है। 9000 के ऊपर टिके तब जाके आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आप मजबूत हैं। 9000 9050 और नीचे 8800 के नीचे अब आप जाएंगे तो फ्रेश कमजोरी होगी। देखिए पिछले दो सेशन से आपने 8900 के नीचे क्लोज दिया है, आज 8900 के ऊपर टिक पाना अपने आप में अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्पेशली मैं ये कहूंगा कि 8900 8925 के ऊपर आप बंद होते हैं तो बुरे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग के लिहाज से जो अहम लेवल है वो 8900 नहीं है, वो 9000 ही है। और 9000 के नीचे अगर आप लगातार बंद होते हैं तीसरे दिन, तो फिर आप कल एक्सपायरी के लिए अच्छे संकेत लेकर नहीं जा रहे हैं। और स्पेशली आप देखिए, आज तो आपके डाउ फ्यूचर्स भी मदद करते हुए दिख रहे हैं, भले ही बाकी एशियाई बाजारों में सुस्ती रही हो। मुश्किल से मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हांगकांग मुश्किल से 10-15-20 पॉइंट नीचे ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। बाकी बाजारों में कहीं कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूत है। तो उसकी बड़ी कारण ये है कि डाउ फ्यूचर्स आज फिर से आपको अच्छा मजबूती का संकेत दे रहे हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, आखिर डेढ़ घंटे में 8900 9000 इस रेंज से बाहर किस तरफ बाजार निकलते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा। और इसको लेकर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहे हैं दीप, और वो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। आज मैं आपको 2:25 पर ही जल्दी से डेटा बता दूंगा, क्योंकि आज क्या है, ढेर सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तीन बड़े रिजल्ट्स हैं जो बाजार के दौरान ही आते हैं, 1 से 3 के बीच में है। जुबिलेंट फूड आना बाकी है, बजाज ऑटो बाकी है, तो इसलिए हम अल्ट्राटेक बाकी है, तो हम जल्दी से स्ट्रेटजी भी रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक फटाफट आप खबरों वाले शेयर और साथ ही इवेंट्स पर भी फोकस कर लें। तो इवेंट्स पहले देख लेते हैं, मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, काफी सारे रिजल्ट्स जैसे कि आपने बताया, बोर्ड मीट्स और साथ ही कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भी है। FOMC की बैठक के मिनट्स आज जारी होने वाले हैं, इस पर नजर रखेंगे।
नतीजों के लिहाज से अभी आपने बताया तीन अहम कंपनियां हैं, निफ्टी और वायदा बाजार, अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, जुबिलेंट फूड, जिनके नंबर्स पर नजर है। कल निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स अंतिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी कल तय की गई है, और साथ ही नतीजों के लिहाज से बजाज फिनसर्व बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे आने का अनुमान है, और वायदा बाजार भी सोलगेट 1-3 के बीच नतीजे पेश कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन की अगर मैं बात करूं, 22 मई को स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने के लिए फाइनल बिडर की घोषणा होने की संभावना है। दरअसल टेलीकॉम विभाग स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने की तैयारी कर रहा है, और इसी के लिए 4 बिडर्स का चयन भी कर लिया गया है, और इसकी घोषणा फाइनल बिडर की शुक्रवार के दिन हो सकती है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में यूपीएल और जीएसडब्ल्यू स्टील, और वायदा बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे और बॉश के नतीजे शुक्रवार के दिन आते हुए हम देखेंगे। बिल्कुल, और यूपीएल की बात करें तो भरपूर एक्शन आज हमने इस स्टॉक में भी देखा है, कल भी काफी एक्शन था, आज भी काफी एक्शन है, ऑपोजिट साइड्स का आ रहा है, बट हाँ नतीजों से पहले वहां पर भी आप नजर रखिए। रुपया, यहाँ पर रुपए की क्लोजिंग हो रही है, आज थोड़ी कमजोरी हुई थी, मजबूती के साथ खुला था लगभग 8 पैसे की, वहां से देखें तो गिरकर अब 16 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हो रहा है। तो इंट्राडे बेसिस पर अगर देखें तो जहां से खुला था वहां से लगभग 24-25 पैसे की गिरावट के साथ आपको रुपये क्लोज होता हुआ दिख रहा है। रुपये की टाइमिंग ऑफकोर्स जैसे कि आपको याद है इस समय के लिए 10-2 कर दिए हैं, जब तक ये लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति चल रही है, तो 75-79, 75-80 पर रुपये की क्लोजिंग आपको आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 अंक ऊपर है, वहां से पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिख रहे हैं, बट बाजार हमारे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग 100 अंक की तेजी अब निफ्टी बिल्डअप कर रहे हैं, थोड़ी सी और तेजी बढ़ती हुई दिख रही है जहां तक निफ्टी का सवाल है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सुस्ती दिखा रहा है, हालांकि पॉजिटिव ट्रेड ही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करते हैं और जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर उनका फोकस है, पर उससे पहले एक क्विकली देवांशी से भी बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स के जो मार्केट्स खुलने के बाद एक्शन में आए, कुछ अर्निंग्स हैं, कुछ खबरें हैं, कुछ फंड एक्शन है, बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशी, आप सबसे पहले देखिए डॉक्टर रेड्डीज ये स्टॉक के जो फोकस में है इसके नतीजे आए हैं, और आप देखिए जो कई ज्योग्राफीज हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप सेगमेंट है, यहाँ से काफी अच्छी बिक्री होती हुई दिखी, और कुल मिला के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। जो मुनाफा है वो इस बार 764 करोड़ का आता, मुनाफा 764 करोड़ का आता हुआ दिखा, जो आय है उसमें भी 10% तक की बढ़त आती हुई दिखी, और मार्जिन इस बार काफी बढ़ते हुए दिखे, अनुमान था करीब 22% का, उसके सामने 22.6% पे मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि कोरोना से कुछ दवाओं पर कंपनी कामकाज फिलहाल कर रही है। सिप्ला के लिए तो अच्छी खबर है, सबसे पहले तो 3 दवाओं को एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी मिल चुकी है, फिर जो फिनलैंड के रेगुलेटर हैं यहाँ से मंजूरी मिली है, और साथ ही इनके जो बेंगलुरु प्लांट है इनको भी फिनलैंड के रेगुलेटर से मंजूरी मिली है। साथ ही उनके जो गोवा प्लांट है उनके 3 और 4 जो यूनिट्स हैं उनके GMP सर्टिफिकेट यानी कि यूरोपियन रेगुलेटर से भी मंजूरी मिल चुकी है, ये एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखती है। और बड़े सौदों में जिंसाटेक और पावर ग्रिड ये दोनों पर आज बड़े सौदे दिखे, पावर ग्रिड में 23 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 108 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर, और जिंसाटेक जहाँ पे 19 लाख शेयरों के आज सौदे होते हुए दिखे 87 रुपीज के करीब प्रति शेयर, इसके चलते आज एक्शन। ओके, तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर रहेगा आज के दिन फोकस। आइए करते हैं शुरुआत इन फोकस की, और सबसे पहले जय ठक्कर हमारे साथ तैयार हैं। जय ठक्कर को देनी है एक तो BTS डबल T और साथ ही दूसरा छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। तो पहले छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, और यहां पर बिगुल जय के लिए। जय, स्वागत है आपका, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है इस वक्त। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, पहले तो मैं कहूंगा कि ये बुल कॉल स्प्रेड है कोटक बैंक में, आज फिनेंशियल्स काफी अच्छे कर रहे हैं और कोटक बैंक जो भी 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बुल कॉल स्प्रेड अगर लेकर जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर मैं आपको रेट्स बताऊं तो करीब करीब ऐसा है कि 1140 का हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं एक लॉट, और सामने हमें क्या करना है 1200 का एक कॉल ऑप्शन बेच देना है। अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में आ चुका है, और फिनेंशियल्स में जो तेजी देखने मिल रही है ऐसा लग रहा है मुझे कि वापस 1240 तक के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, ट्रंकेटेड वीक भी है, तो मैं कहूंगा अगर 1140 का कॉल अगर हम देखें तो अभी 40 रुपये 50 पैसे मिल रहे हैं, और अगर हम 1200 का कॉल देखें तो करीब करीब अनिल जी जहाँ तक मैंने लास्ट देखा था ये मिल रहा है करीब 16 रुपये पे। तो अगर आप देखें तो ये स्ट्रैटेजी हमें बन रही है 24 रुपये में, और ये हमें प्रॉफिट देखने मिलेगा 36 रुपये का। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का बन रहा है अनिल जी।
1140 का कॉल ऑप्शन आप ले 40 रुपये 50 पैसे पे, 1200 का कॉल बेचे 16 रुपये 50 पैसे पे, नेट नेट आपका आउटफ्लो हो जाएगा 24 रुपये का, इनफ्लो जो होगा अगर 1200 या उसके ऊपर जाता है तो हमें 36 रुपये का यू नो टोटल प्रॉफिट देखना पड़ेगा, देखने मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो सीमित है, मतलब 36 रुपये तक, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना है। बट इनकेस अगर अनिल जी व्यू गलत हो गया, हमें जो तेजी लग रही है वो नहीं आई, तो लॉस भी मैं कहूँगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 पॉइंट्स का ही है। सो आई थिंक एक प्रॉपर एक हेज स्ट्रेटेजी रहेगी इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट कोटक बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक में हेज स्ट्रेटजी 1140 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए जो इन द मनी है, और 1200 वाला कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। 40 रुपये में कॉल ऑप्शन मिल रहा है, 25 में बिकेगा, माफ कीजिएगा 15 में बिकेगा, 25 रुपये मैक्सिमम कॉस्ट है, और इसका दाम बढ़कर 36 रुपये हो जाए तो आप मुनाफा वसूल कर लीजिए। ये है राय जय की तरफ से। आइए जय के लिए बिगुल BTS TT का। बताएं जय। अरे जी, फार्मा स्टॉक में से बाय रेकमेंड करना चाह रहा हूं मैं, और वो है जिसके रिजल्ट आ जाए डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज बाय करके चलना चाहिए डेफिनेटली। अगर मैं देखता हूं तो एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला है, हम इसे ये भी कहते हैं कि एक बुलिश हरामी क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला है इनफैक्ट, और 50 डेमार्क से एक्जैक्टली ये स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो काफी एक अच्छा इजाफा, 15% अपसाइड हमें देखने मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में। वॉल्यूम्स मैं कहूँगा डेफिनेटली रिजल्ट है तो अच्छे होने ही, मगर वॉल्यूम्स बहुत ही बढ़िया देखने मिला है जनरल जी। इनफैक्ट मैं कहूँगा लास्ट ऐसे वॉल्यूम्स हमें लगभग देखने मिले थे जनवरी में, और जैन के बाद हमें मई में इस दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम्स हमें देखने मिले। इतनी बड़ी फार्मा में तेजी आने के बावजूद उतने वॉल्यूम्स अब जाके दिख रहे डॉक्टर रेड्डीज में। सो आई थिंक इट्स अ बिग थम्स अप एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न। ऊपर में जो लेवल्स देख रहा हूँ वो 3940 एंड देयर आफ्टर 3980, ये दो लेवल्स के लिए बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी 3770 का। 3940 3980, इतना 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स हैं जी अनिल जी। और स्टॉप लॉस क्या बताने चाहिए? आज नहीं तो कल तक अनिल जी आ जाना चाहिए, मतलब हाँ? आज आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कल तक तो आ जाना चाहिए साहब। आप कल तक नहीं, आप फ्राइडे तक लाओ, एक दिन और एक्स्ट्रा लो, टारगेट ले आना, बस कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है, इस हफ्ते में कभी भी आ जाए, शुक्रवार 3:30 बजे तक चलेगा। स्टॉप लॉस क्या लगाना है जय? 3770 का अनिल जी। 3770, ओके। 3770 का स्टॉप लॉस, 3940, 3980 दमदार टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है डॉक्टर रेड्डीज में। क्या बात है, नतीजों के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। आइए अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताए सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर से पहले छोटा सा अपडेट है, एस्टेक लाइफ साइंसेस जो कल की हमारी मॉर्निंग की पहली पिक थी, अनिल जी लॉक्ड है, अपर सर्किट पे लॉक्ड है, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। और अभी का जो पिक है चार्ट कॉर्नर का वो है लुपिन। लुपिन 2-3 दिनों से साइडवेज जोन के अंदर था, और अगर आप देखें तो लगभग 5 दिनों के हाइस के ऊपर निकल रहा है, फार्मा फ्लेवर पर है, लुपिन को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, जिस तरह का ब्रेकआउट लुपिन में आ रहा है, ऐसा लगता है कि लुपिन में कोई ना कोई न्यूज़ आने वाली है, जिस तरह से एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और बहुत आसानी से स्टॉक ने मेजर लेवल्स को आज के ट्रेड में पार किया है, तो लुपिन को खरीदें। यहाँ पर 862 रुपये पर 862 पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 891 रुपये का, 891 का, और दूसरा 905 रुपये का टारगेट होगा, तो 891-905 के टारगेट के लिए लुपिन को बाय करने की राय है। तो ये है आपके लिए लुपिन पर राय इस वक्त खरीदारी करने के लिए आज से कुणाल जी और राकेश जी की। अब आने वाले हैं आपके सामने 3 और रिजल्ट, उन पर भी हम फोकस करेंगे। बजाज ऑटो अपने नतीजे पेश करेगा, नतीजे आएंगे आपके अल्ट्राटेक के भी, और नतीजे आएंगे जुबिलेंट फूड के भी। उससे इसमें जुबिलेंट फूड निचले स्तर से रिकवर होकर ऊपर आता हुआ दिख रहा है। जुबिलेंट फूड में नतीजों के पहले कोई ट्रेड है जय, या फिर अवॉइड?
अनिल जी मैं कहूंगा कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं इसके देख रहा हूँ तो मुझे तो वीक नजर आ रहे, इतने कुछ खास नजर नहीं आ रहे। ये बात है कि इसने कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर रहा है अनिल जी 200 डेमा के ऊपर आने का, बट फेल हो रहा है। सो इसमें बाई तो 1550-55 के ऊपर ही बनेगा, तब तक तो वीक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1450 तक के लेवल्स नीचे आ सकते हैं इमीडिएटली, और वो ब्रेक होता है अनिल जी तो बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन हमें देखने मिल सकता है। इंडिकेटर्स में भी एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। स्टार्टिंग बिफोर रिजल्ट्स कहीं ना कहीं कॉशियस रहने की मेरी सलाह रहेगी। 1555 का एक रेजिस्टेंस है। लेकिन जय, आपके डॉक्टर रेड्डीज का कॉल एकदम टाइमली आया, 3835 के आसपास आपने कॉल दिया, इस वक्त 3855-60 की रेंज में डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है, तो 20 रुपए तुरंत प्रभाव से एकदम भागते हुए नजर आया। तो ये स्टॉक बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर अच्छी खरीदारी भी होती हुई दिख रही है, तो स्टॉक तेजी के साथ आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक जो एक्शन में है, वागले साहब, इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल, इसके स्टॉक पर नजर डालिए। बड़ा जबरदस्त कमजोर हुआ है, 8% नीचे 200 रुपए पर आ गया है। क्या हो रहा है इस स्टॉक में और क्या लेवल, सब अगला अहम सपोर्ट कहाँ है इसका? अनिल जी, इसमें तो वीकनेस सेट इन हुआ है और मुझे लगता है अभी 200 के लेवल पे ये 180 तक जा सकता है, बट अभी इसके फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे क्योंकि इसका स्टॉप लॉस होगा 217 के ऊपर का, तो यहाँ पर मैं बेचने की भी सलाह नहीं दूंगा, बट मुझे लगता है कि ये ड्रिफ्ट होते होते 180 तक जा सकता है। ओके, 180 तक जाने की संभावना, और इस बीच 2:15 बज चुके हैं, 2:15 बजे आपको मिलती है बसिन साहब की तरफ से बेहतरीन कॉल्स, और बसिन साहब हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार हैं और वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनकी बेहतरीन कॉल्स और उनका अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले बजाज ऑटो नतीजे आने वाले हैं किसी भी वक्त, तो आप जल्दी से ना वो अपने हाथ में रखिए अनुमान कि कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो संदीप हमारे साथ है बताने के लिए बजाज ऑटो के रिजल्ट्स का प्रीव्यू। संदीप बताइए। बिल्कुल अनिल जी, नंबर्स कभी भी आ जाएंगे, 12:30 से 2:30 के बीच में एक्सपेक्टेड थे और नंबर्स ढीले रहेंगे, थोड़ा कमजोर रह सकते हैं क्योंकि 17% वॉल्यूम गिरने का अनुमान है, तो उससे आय जो है वो करीब 13% के आसपास ड्रॉप हो सकती है। थोड़ा एक्सपोर्ट से सहारा जरूर मिलेगा, 9% के आसपास की बढ़त वहां हुई, तो उससे जरूर इनके जो रेवेन्यू से उतना नहीं गिरेंगे जितना वॉल्यूम्स गिरे हैं। कामकाजी मुनाफा करीब 11% के आसपास ड्रॉप होगा, 1030 करोड़ के नंबर्स आ सकते हैं। मार्जिन जरूर इंप्रूव होंगे, यही एक पूरे नतीजों की हाईलाइट है, 16% वाले 16% हो जाएंगे क्योंकि BS6 गाड़ियां जो ये बेच रहे हैं उनमें रिलेशन अच्छे हैं, तो उस वजह से जो मार्जिन हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा अपटिक, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहां पे आता हो दिखे। लेकिन मुनाफा आप देखिए, जितनी आय गिर रही है उससे 2 गुना के आसपास की कमी आएगी, 25% तक मुनाफा गिरेगा, 975 करोड़ आ जाएगा, क्योंकि अन्य आय का नंबर इस बार हो सकता है कि काफी कम आता हो दिखे, तो उस वजह से मुनाफे के नंबर में आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी। इंपॉर्टेंट ये है देखना कि मैनेजमेंट क्या कहता है, कमेंट्री क्या आती है, डीलरशिप्स खुल रही हैं उसको लेके, सप्लाई चेन उत्पादन इसको लेके मैनेजमेंट क्या कहता है, और जिस तरह से कच्चा तेल हल्का हुआ है, जो बड़ी गिरावट आई है उसके बाद एक्सपोर्ट्स को लेके जो आउटलुक है, ये 2 खास चीजें हैं जिसके ऊपर एनालिस्ट की नजर रहेगी। ओके, तो आगे चलते हुए देखते हैं गाइडेंस, उसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है। कुल वॉल्यूम में 17% की गिरावट आने की संभावना है, जिससे कि आय भी गिरेगी मुनाफा भी गिरेगा, तो जाहिर सी बात है कि कमजोर नतीजों के आसार तो पूरे पूरे हैं। लेकिन आइए इस बीच बजाज ऑटो के चार्ट्स पर भी एक बार नजर ले ली जाए। बंसल जी, रिजल्ट के पहले खरीदने का मन है या छोड़ दें? अनिल जी, एक बार देख के बताना पड़ेगा इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि बिना देखे तो बोलना मुश्किल है। मैं चार्ट खोला अनिल जी, बजाज ऑटो का, अनिल जी छोड़ेंगे बिल्कुल नतीजों से पहले, यहाँ पर प्ले नहीं करेंगे। जिन्होंने ले रखा है उनके लिए स्टॉप लॉस है, 2480 का स्टॉप लॉस है, बट मेरी समझ से नतीजों से पहले कुछ नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया आपने, बोला छोड़ दिया, तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया बंसल जी। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे वापस सवाल भी नहीं पूछूंगा मैं आपसे, चिंता मत करिए। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो छोड़ चुके हैं हम जब तक कि रिजल्ट्स ना आ जाएं। बसिन साहब जुड़ने की तैयारी में, और बसिन साहब जैसे ही जुड़ेंगे हम उनके लिए बजाएंगे बिगुल और आपको बताएंगे बसिन साहब के कुछ बेहतरीन पिक्स, और उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होगी क्योंकि वो जुड़ चुके हैं बिगुल बसिन साहब के लिए। बसिन साहब स्वागत है सर आपका, सबसे पहले तो अपडेट्स देना चाहें, आपके DLF का स्टॉक तो भाग गया एकदम जोर से।
हाँ अनिल जी, 133 पे कहा था और 138.50 तक हिट कर गया, तो प्रॉफिट बुक कर दीजिए। 142 का टारगेट था, लेकिन आज आपको ये दो घंटे में ही प्रॉफिट है तो बुक कर दीजिए। एक वो बुक हो गया, उसके अगेंस्ट मैंने इन्फी शॉर्ट दिया था, वो खड़ी रखेंगे। और मेरा जो लॉन्ग है पिरामल एंटरप्राइजेस, उसमें भी मैं बने रहूंगा सर। पिरामल एंटरप्राइजेस में तो अभी टारगेट शुरू है, मुझे लगता है लास्ट एक घंटे में तो फाइनेंशियल और एनएफसीज में और फार्मा में बहुत अच्छी उछाल आएगी। एंड पिरामल इज द बेस्ट मिक्सचर ऑफ बोथ फार्मा एंड दी एनबीएफसी साइड। मुझे लगता है एनबीएफसीज में अभी भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी आफ्टर 3 o'clock, तो बने रहिए। 878 का स्टॉप लॉस है और 935 to 940 का टारगेट। अब आप कहें तो मैं आपकी कॉल दूं सर। करेक्ट, बिल्कुल 100% बाय। तो अभी आपके मूड माहौल को देखते हुए लग रहा है कि आज बाय कॉल सी आएंगी सारी। सर आपने कहा था 9000 का क्रूशल लेवल है, उसके ऊपर आ जाए तो एक बारी मन तो तेज कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, 9000 आपके बात करते करते 9000 की सलामी इस वक्त आ चुकी है निफ्टी पे। बताइए सर क्या क्या खरीदना है सर। दो बाइस है, एक सेल है। तो मैं बाय में पहले बताऊं, मेरा टॉपिक यहाँ पे फिर अगेन रियलिटी होएगा गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी 585 to 587 चल रहा है और इट्स द एक्सट्रीमली बेस्ट प्ले टू प्ले द प्रॉपर्टी साइड, बिकॉज जैसे जैसे अब एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग पड़ेगी, गोदरेज प्रॉपर्टी विल बी इन द बेस्ट प्लेस फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। 585, 587 में लीजिए, 574 का स्टॉप लॉस और 625 का टारगेट ऑन गोदरेज प्रॉपर्टी। 585-587 की रेंज में खरीदना है। ओ ये तो गोदरेज प्रॉपर्टी भाग गया, 595 रुपए के आसपास है, थोड़ा नीचे आ जाए तब खरीदिए वापस से। एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं सर। सर 585 to 587, 577 का स्टॉप लॉस है, 625 का टारगेट है। टारगेट थोड़ा ऊपर है बिकॉज दिस इज अ यू नो पेडिग्री स्टॉक, तो मैं कहूंगा अगर आप रोक सके तो अच्छा आपको चाल मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट भी मजबूत हो रहा है, 9000 के ऊपर अगर आज बंद होता है तो कहने ही क्या, इससे बढ़िया एक रिलीफ रैली मिल सकती है। तो रोक कर रखें 625 तक के टारगेट के लिए, आप गोदरेज प्रॉपर्टी में करें खरीदारी। दूसरा स्टॉक सर बताएं। दूसरा अगेन होएगा सर यूपीएल, कल 2-3 दिन से घटा है बिकॉज ऑफ सम टॉक ऑफ एग्रोकेमिकल पे पेस्टिसाइड, बट दैट हैज बीन एलेड। और पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल आर गोइंग टू बी ग्लोबली इन वेरी मच इन डिमांड। यूपीएल इज द बेस्ट प्ले अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट अ वीकर करेंसी एंड उनका जो साउथ अमेरिका में रीच है बहुत अच्छा है। तो ये 52-54 का भाव है, इसको लीजिए। इसमें आप 340 का स्टॉप लॉस रखिए और 375 का टारगेट होएगा फर्स्ट टारगेट यूपीएल में। ओके, यूपीएल में खरीदारी करें, यहाँ पर 355-356 के आसपास यूपीएल चल रहा है, यहाँ पर तेजी करने की राय है वसीन साहब की तरफ से। और ये भी पिटा हुआ स्टॉक आज अच्छी रिकवरी अब दिखा रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दो बेहतरीन बाय कॉल्स आपको मिल गए, गोदरेज प्रॉपर्टी और यूपीएल। वसीन साहब शॉर्ट साइड पर कौन सा स्टॉक है? आज मैं करूंगा हीरो मोटो। तो हीरो मोटो में वीकनेस दिख रही है आफ्टर अ सुपर्ब रन, मुझे लगता है यहाँ पे आपको एज अ हेज क्रिएट करना चाहिए। 2050-55 का भाव है, 2095 का स्टॉप लॉस रखिए और 1985 तक का टारगेट। 1985 का टारगेट 2075 का स्टॉप लॉस कितना? 2090 का सर। हेलो 2090, तो 2000 अभी 40 रुपए था तो अभी थोड़ा घट गया है, तो आपको वॉच करना पड़ेगा। 2040 पे मेरी कॉल थी, 1980 का टारगेट। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, अगर थोड़ा घट गया तो आप वॉच कर लीजिए बिकॉज यू हैव टू बी केयरफुल। एब्सोल्यूट, नहीं नहीं बिल्कुल। और मैं एक चीज तो वैसे मैं बसिन साहब आपके बिहाफ पे दर्शकों को समझा ही चुका हूँ, जैसे अब आपने सुबह डीएलएफ दिया, अब डीएलएफ आप हफ्ते दो हफ्ते के लिए डीएलएफ देते हैं, हफ्ते भर के लिए 142-145 के टारगेट है और एक ही दिन में आपको 5-7 रुपए आराम से मिल रहा है, तो फिर ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रेड कर भी रहे हैं तो अगर समझिए कि एकदम भाव घट गया या बढ़ गया और आपकी एंट्री एग्जिट प्राइस वो नहीं मैच हो रही है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, या फिर थोड़ा वापस समझिए आपको हीरो मोटो बेचना है। अब हीरो मोटो 20-30 रुपए नीचे है वसीन साहब जिस लेवल से बेच रहे हैं, या तो इंतज़ार करें वापस ऊपर आने का, नहीं तो छोड़ दीजिए, या बेचिए ऊपर आए तो थोड़ा और बेचने की जगह रखिए, एवरेज करके बेचें, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि
आप बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर बेचें और एग्जिट ना करें, तो एग्जिट एंट्री दोनों थोड़ा आपको अपने हिसाब से भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हर चीज़ वो मशीन साहब पकड़ के आपको नहीं बता पाएंगे, अल्टीमेटली भाव जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान में ज़रूर रखिए। मशीन साहब शुक्रिया आपका इन तीनों कॉल्स के लिए, और अगर BTST कॉल सही तो आपसे फिर से 3 बजे बाद मुलाकात होगी, उसके लिए भी हम तैयार हैं, तो हम आपको फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल 3 कॉल्स, गोदरेज प्रॉपर्टी खरीदने की राय है 585-587 की रेंज में खरीदिए, 577-577 का स्टॉप लॉस, 625-625 का टारगेट, UPL खरीदिए 355 के आसपास, 340 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 375 का टारगेट, हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट करिए 2050-55 के आसपास, थोड़ा ऊपर आ जाए तब शॉर्ट करिए, 2090 ये आपका होगा स्टॉप लॉस, 1985 के टारगेट के लिए। जय ठक्कर तैयार हैं अपने अगले कॉल के लिए, छोटा ऑप्शन बड़ी वाली कमाई। बताएं जय अनिल जी, अगर हम देखें तो फार्मा इंडेक्स, जैसे वसीन साहब अभी बता रहे थे, मैं कहूंगा एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट फार्मा इंडेक्स में हमें देखने मिला है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फॉलिंग चैनल में से क्लियरली निफ्टी फार्मा ने ब्रेकआउट दिया है, जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ही चला तो 9470 से लेके उसका प्रीवियस जो आया 97 तक का भी हमें देखने मिल सकता है। इसलिए मुझे एक और स्टॉक फार्मा में पसंद आया, वो है औरोबिंदो फार्मा, जिसका कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए 700 वाला। अनिल जी, इसका 700 का कॉल ऑप्शन अगर हम देखें तो करीब करीब अगर मैं देख रहा हूँ अभी तो मैंने मिल रहा है 21 रुपये पे अनिल जी, 21 के आसपास औरोबिंदो फार्मा का 700 कॉल मिल रहा है, ये लेकर चलना चाहिए। इसमें आज बहुत ही अच्छी एक बढ़त हमें देखने मिली, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें ओपन इंटरेस्ट का जो इजाफा देखने मिल रहा है लगभग 10% अपसाइड हमें ओपन इंटरेस्ट में देखने मिल रही है। औरोबिंदो फार्मा जो 21 रुपये में मिल रहा है, इसका पहला वाला टारगेट अनिल जी रहेगा 29 का, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा इसका 34 का, और इसमें हम स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं 15 रुपये 50 पैसे का। ओके, तो ये है औरोबिंदो फार्मा का ऑप्शन खरीदने की राय जय की तरफ से। ओके, यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं। और इस बीच एक और स्टॉक दीप, जहाँ पर मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, और वो है Naukri.com या फिर InfoEdge, जो स्टॉक हमने कल आपको बिकवाली करने की राय दी थी, मैं आपके सामने रख दूँ। लेवल्स 2300 कितने देखे थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, हाँ 2300 अभी 4550 के आसपास है, 2325-2320 के लेवल्स नीचे की तरफ आए थे, तो एक बार आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके ये क्लोज कर सकते हैं। कल हमने इसी वक्त पर आपको कल के 2000 में दिया था, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस अब मेंटेन कर लें ज़्यादा बढ़िया, अदरवाइज एग्जिट कर लें, प्रॉफिट आपका बन रहा है। दीप बिल्कुल, और जिस प्राइस से अनिल जी ने ये कॉल दी थी वहां से भी आप देखें तो 100 रुपये से ज्यादा ये स्टॉक नीचे आ चुका है, और पहले 2 टारगेट्स तो आए गए, तीसरे टारगेट के ऑलमोस्ट क्लोज आके थोड़ा बाउंस बैक आए, तो इन लेवल्स पर आप चाहें तो अपना मुनाफा वसूल सकते हैं। चलिए, अनिल जी की स्ट्रैटेजी बस कुछ ही देर में आने के लिए तैयार है, तो उनसे उनकी स्ट्रैटेजी जान लेंगे। उससे पहले अल्ट्राटेक, इसके भी नतीजे किसी भी समय आ सकते हैं, तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के बाजार के अनुमान है अल्ट्राटेक के नंबर से। मानसी इसके लिए तैयार है, बताएं मानसी। बिक्री और मुनाफे दोनों में ही गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं, 3.7% की गिरावट सेल्स में देखने को मिलेगी, और सेल्स में जो गिरावट है और साथ ही पिछले साल नवंबर के बाद से ही हमने देखा है कि डिमांड में लगातार कमी देखने को मिली है, जिसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता हुआ दिखेगा। करीब 15% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर भी देखी जा सकती है, वॉल्यूम 16% घटेंगे लेकिन रियलाइजेशन 4.4% बढ़ने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कम फ्यूल और फ्रेट खर्च से मार्जिन को कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रहेंगे 21% पर कंपनी के मार्जिन, ये अनुमान है। और इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल से सीमेंट डिवीजन का अधिग्रहण जो हुआ था उसका इम्पैक्ट इस बार भी नतीजे में देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नजर होगी। और साथ ही पिछले दिनों स्लो डाउन की सिचुएशन और कोरोना इम्पैक्ट का असर कंपनी के नंबर्स पर पड़ता है कि नहीं, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं अल्ट्राटेक के। हालांकि मानसी बता रही हैं कि थोड़े कमजोर नतीजों का अनुमान है, पर स्टॉक में वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सुबह से ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 2% से ऊपर, और अभी भी देखें तो काफी एक्टिव ट्रेड आपको अल्ट्राटेक में होते हुए दिख रहा है। किरण जी भी हमारे साथ हैं, किरण जी अल्ट्राटेक पर कोई राय? सर रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, बट 3500 के लेवल पर कोई स्ट्रैटेजी अल्ट्राटेक पर? नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, मुझे लगता है कि एक रेंज में फंसा हुआ है, और जब ये रेंज से निकलेगा तभी एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, और रेंज काफी बड़ी है,
दीप, नीचे में करीबन 3250 का लेवल है और ऊपर में करीबन 3650 का लेवल है। इसके ऊपर या नीचे ही एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, तो तब तक के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ओके, रेंज के बाहर निकलेगा तभी ट्रेड करना चाहिए। पर एक स्टॉक और देखिए, बीपीसीएल, शानदार मूव आ रही है इसमें, 5-5.5% की तेजी है। कुछ टाइम पहले भसीन साहब ने रेकमेंड किया था, उसके बाद स्टॉक में तेजी आई, फिर मुनाफा वसूली भी हुई, बट आज एक और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बंसल जी, बीपीसीएल के साथ कुछ ट्रेड करना चाहेंगे? देखिए दीपांशु, बीपीसीएल के अंदर नीचे से एक रिवर्सल देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, और नीचे में एक सपोर्ट लिया है, 295 के अराउंड सपोर्ट लिया है, और ये स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक के अंदर है, और मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी चल रही है, तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु वो होल्ड करें। ऊपर में यहाँ पर 317-318 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 317-318 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं जहां तक बीपीसीएल का सवाल है। पर चलिए बिगुल बजा के अनिल जी के पास चलते हैं, 2:30 बज रहे हैं, जान लेते हैं कि आखिरी घंटे के लिए स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो आज आप कह सकते हैं कि अच्छे ही हैं, डाउ फ्यूचर्स भी देखें तो 200 अंक से ज्यादा का उछाल है इस समय वहां पर। एशिया के बाजार हालांकि मिलीजुली क्लोजिंग रही, बट ठीक है, हांगकांग थोड़ा सपाट क्लोज हुआ, निके 0.8% की तेजी के साथ ही बंद हुआ। यूरोप की थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है, तो लगभग नीचे आपको यूरोप के बाजार दिखेंगे, तो वहां से कुछ ज्यादा संकेत नहीं आ रहे हैं। तेल भी आज लगातार दूसरे दिन सपाट दिख रहा है, बट डाउ फ्यूचर से जरूर 200 अंकों की तेजी के संकेत आ रहे हैं सर। बेसिकली जो तेजी बन रही है दो वजह से दीप, एक तो ये कि अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, वो अलग बात है कि अमेरिकी बाजारों की फ्यूचर्स की मजबूती का असर न एशिया पे पड़ रहा है न यूरोप पर पड़ रहा है, लेकिन हम पर पड़ रहा है, वो अच्छी बात है क्योंकि हम पर कल उनकी मजबूती का असर नहीं पड़ा था तो आज पड़ रहा है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कल के सेशन में एफआईज ने वायदा कारोबार में शॉर्ट कवरिंग की थी, काफ़ी दिनों बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, तो थोड़ा उससे भी सपोर्ट मिल रहा है कि चलिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिख रहे हैं। 9050 के अहम आंकड़े के आसपास निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, 9050 के ऊपर निकल कर टिका तो यहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आने की संभावना बनेगी। आइए अब मैं पहले आपको डेटा के लिहाज से बता दूँ क्या कुछ है। वीकली डेटा की बात करेंगे, आज हम मंथली वाले डेटा बात नहीं करें, वीकली की बात करते हैं। 8900 के लेवल पर हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है और 9000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। 8900 में आज 13 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं और टोटल है 23 लाख शेयर। 9000 के कॉल्स में 9 लाख शेयर आज जुड़े हैं और टोटल है 28 लाख शेयर। अगर अब आप 9050 के पार निकलकर टिक पाते हैं तो ये 28 लाख शेयर वो हैं और उसमें से भी जो 9 लाख शेयर आज कॉल्स में ऐड हुए हैं ये रिस्क पर आ जाते हैं, इनकी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जो निफ्टी को 9125-9175 की रेंज में ऊपर ले जा सकती है, यानी कि 75 से 125 पॉइंट की तेजी यहां से बन सकती है अगर आप 9050 के ऊपर टिके तो, जहां पर अभी आते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी देर देख लें, अभी है 2:30 का वक्त, अगर आप अगले 10-15 मिनट 9050 के ऊपर टिक जाते हैं तो 50-75 पॉइंट से लेकर 125 पॉइंट 125 पॉइंट की तेजी के लिए आज और कल सुबह तक के लिए एक ट्रेड आपका तेजी का यहां पर बन सकता है। और आप देखिए बात करते करते अचानक से 9050 को पार करके निफ्टी 9065-70 तक जाता हुआ दिख रहा है, तो और अब आपका स्टॉप लॉस रिवाइज होकर 9000 का हो जाएगा, 9125, 9150, 9175 तक के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी ऊपर की तरफ। हाँ, ये लेवल्स हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 17000-18000 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी अगर 18000 पार करेगा तो यहाँ से भी 18000 के ऊपर अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, क्योंकि 18000 के लेवल पर वीकली एक्सपायरी में लगभग 9 लाख शेयर हैं पुट में और वो पार करते आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, जो पहला टारगेट होगा आपका 18175 का, दूसरा टारगेट होगा 18250 का। ये दो टारगेट मिनिमम रखिए और उसके बाद हम टारगेट को रिव्यू करेंगे कि क्या कुछ होता है। तो दो इंटरेस्टिंग टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। आपका स्टॉप लॉस जो बैंक निफ्टी में बनेगा 18000 के पार टिकने पर वो बनेगा 17800 का, 17800 के स्टॉप्स के आप बाद में खरीदारी करेंगे। 18175, 18250 दो मिनिमम टारगेट होंगे, अगर तीसरा टारगेट बनते हुए जैसा होगा तो हम आगे से आपको वापस बताएंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, तो
बाजार तैयार है एक अपमूव के लिए और आप देख भी रहे हैं कि संकेत आ रहे हैं इस समय अच्छे। देखते हैं 18,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है नहीं, बट जैसे आप अनिल जी हमें स्ट्रैटेजी दे रहे थे, लगभग 40-50 अंक की तेजी तो आपने निफ्टी में उसी समय बनते हुए देख ली, तो अहम लेवल के ऊपर बाजार आ रहे हैं और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इस रिकवरी में अब आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। तो बीपीसीएल की तो बात करी, डेज हाई पर आ गया है, देखिए 6% की तेजी है। एनबीएफसी में एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है, एलआईसी देखिए, चोला देखिए, पीरामल देखिए निचले स्तरों से, बजाज फाइनेंस भी अब अपमूव के संकेत आपको दिखाते हुए दिख रहा है। किरण जी, बजाज फाइनेंस पर ट्रेड लेंगे, जिस तरह के एनबीएफसी की इस समय रिकवरी आ रही है, क्या यहाँ पर इस शॉर्ट कवरिंग रैली में एक ट्रेड बनेगा? बिल्कुल, हायर रिस्क ट्रेडर के ने करना चाहिए, सारे एनबीएफसी बैंकिंग स्टॉक्स ये सब शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर चल रहा है। जैसे ही निफ्टी ने 9000 का लेवल तोड़ा वहां से हमने सब बैंकिंग और एनबीएफसी में एक अच्छा अंडरकरंट देखने को मिल रहा है। इस बीच किरण जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन किरण जी की आवाज आए उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। इस वक्त जल्दी से एक बिगुल पिक ऑफ द डे का बजाना है, कुणाल जी और राकेश जी कल का स्टॉक आज ही देने को तैयार है। जी हाँ, उनकी पिक ऑफ द डे तैयार है और कुणाल जी राकेश जी कह रहे हैं हमारी अभी से आज ही आप पिक ऑफ द डे ले लीजिए कल के लिए। तो कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे का बिगुल। पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि ये पिक ऑफ द डे जो 3:20 पे आता था, फिर 3:15 पे आने लगा, फिर 3 बजे, अब 2:30 बजे, एकदम मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका पिक ऑफ द डे में बढ़ रहा है और वो पिक ऑफ द डे में कल के टारगेट आज ही आ जाते हैं, उसकी वजह बताएं और उसके बाद स्टॉक भी बताएं। देखिए अनिल जी, वजह तो ये है, जिन स्टॉक्स में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा होता है और क्लोजिंग के समय ब्रेकआउट हो रहे होते हैं तो वहाँ ब्रेकआउट का सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है, और यही रीजन है जी स्टॉक को अभी लेने का कि हम इसकी वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मूव टूवर्ड्स क्लोजिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा और यही रीजन है इसको ले रहे हैं। कॉन्फिडेंस ज्यादा है इसलिए 2:30 बजे पे ले रहे हैं 3 बजे की बजाय। और इस बार जो खरीदारी की राय है वो है अरविंदो फार्मा पर, जिसपे भी थोड़ी देर पहले जय ठक्कर ने भी राय दी थी। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बेहतरीन रिवर्सल है, बड़ी नेकलाइन टूटी है, किसी भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आज एक ब्रेकआउट हुआ है, प्लस में पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है, तो ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, आज सवेरे से ही हम लोग लगातार फार्मा कंपनीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, हमने पहले सिप्ला पर भी खरीदारी की राय दी, टॉरेंट फार्मा पर, ग्रेन्यूल्स पर, और अब बारी है ओरो फार्मा की, जिसको हम पिक ऑफ द डे में शामिल कर रहे हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है अनिल जी, बहुत ही दमदार है, ये स्टॉक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है और जिस तरह का मोमेंटम यहाँ बन रहा है इसमें डेफिनेटली आपको कल एक उछाल देखने को मिलेगा, तो इन स्तरों पर ओरो फार्मा को खरीद करके चले। यहाँ पर 670 रुपए पर 670 पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, पोजिशनल ट्रेड है, 670 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर पहला टारगेट 737 रुपए का, 737 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 750 रुपए का होगा, तो 737 750 के लिए बाय करना है ओरो फार्मा। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत दूर नहीं है का, 30 रुपए का आपका स्टॉप लॉस और 37 रुपए ऊपर का टारगेट 35 रुपए का। अनिल जी देखिए, कुछ शेयर तो अभी बढ़ा है लेकिन स्टॉप लॉस को हम लोग रिवाइज कर लेंगे अनिल जी, जैसे ही ये स्टॉक 715-718 के लेवल्स को पार कर ले, जो कि इमीडिएट इंट्राडे हर्डल है, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 695 पे रख ले। ओके, अच्छा जय, आपने भी तो अरोबिंदो फार्मा में ही ऑप्शन दिया था खरीदारी करने का, अभी एक बार जरा वो फिर से दोहरा दें, एक बार मैं दर्शकों को याद दिला दूं आपने कौन सा ऑप्शन दिया था और क्या आपके स्टॉप लॉस टारगेट है उस पर। बिल्कुल अनिल जी, इसको हमने बाय दिया था करीब 20-21 रुपए के आसपास अनिल जी, 29 और 33 के आसपास के टारगेट, 700 वाला कॉल ऑप्शन अनिल जी दिया था, 700 का कॉल ऑप्शन, और वो हमने दिया था करीब 20.50 रुपए 21 के आसपास और उसमें स्टॉप लॉस हमने दिया था 15.50 रुपए के आसपास, सो ऑलमोस्ट लाइक 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस था। ऊपर में टारगेट जो हमारे थे अनिल जी, वो 29 का पहला टारगेट था और उसके बाद मेरे ख्याल से 34 का टारगेट था, और आज का हम हाई अगर देखें तो ऑलरेडी 27.45 का हाई तो लग चुका है अनिल जी, तो प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट टारगेट तो आज आ ही जाएगा। अनिल जी साथ ही साथ में एक कोटक बैंक का भी अपडेट दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो।
हाँ हाँ बिल्कुल, BTST या फिर ऑप्शंस। अनिल जी इसका हमने जो बुल कॉल स्प्रेड दिया आज कोटक बैंक में उसका अपडेट देना है। अच्छा अपडेट है, हाँ अच्छा बताइए, सॉरी सॉरी बताइए। अनिल जी 1150 के आसपास का रेट था कोटक बैंक का जब हमने रेकमेंड किया तभी, और 1178 का हाई लगा चुका है ऑलमोस्ट, लाइक अगर हम देखें तो 2.5% के आसपास का मूव आया कोटक बैंक में, जिसके कारण जो हमने 1140 का कॉल बाई किया था और 1200 का बेचा था 24 रुपए के स्प्रेड में, अब वो स्प्रेड हो चुका है अनिल जी 24 का 35 का। सो इंट्राडे में इनफैक्ट मैं कहूंगा आधे घंटे में ही ये स्प्रेड 24 से 35 का हो गया, तो 11 रुपए का तो इंट्राडे ही मुनाफा हो रहा है, दैट मीन्स नेट नेट करीब करीब 4500 के आसपास का प्रॉफिट अभी हो रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसे आज ही मुनाफा वसूलना है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिसे कैरी करना है दे कैन कैरी एज वेल, क्योंकि व्यू इंटैक्ट है, बट जस्ट वो अपडेट इसलिए देना था क्योंकि लगभग 2.5% का स्टॉक में मूव आ चुका था। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मूव और एक्सीलेंट मूव, और जो मूव जिन जिन बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टॉक्स रिकमेंड हुए वो हैं, बसिन साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी आप पिरामल को होल्ड करिए, उस समय 890 का लेवल था, 915 का हाई बनाया, अभी भी 905 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 900 के ऊपर निकल कर टिकता हुआ दिख रहा है, 915-920 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, भसीन साहब ने कॉल दिया था और उन्होंने कहा भी था कि क्लोजिंग वाले शो में बाजार तेजी से ऊपर जाएगा, और आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त 9000 के पार निकल कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा, तो बाजार में बहुत ही बेहतरीन मूव आया है ऊपर की तरफ, मजबूती के साथ आता हुआ दिख रहा है पिरामल में, अब प्रॉफिट बुक करने की राय भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है, ये आपके लिए कॉल है और अपडेट भी ये आता हुआ दिख रहा है। तो ये है इस वक्त जुबिलेंट फूड, इसके नतीजे आने वाले हैं, अनुमान देख लेते हैं कि किस तरह का अनुमान किस तरह के रिजल्ट्स रहने वाले हैं, और ये भी हमारे रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़, और थोड़ी देर में हमारे साथ रिसर्च टीम जुड़ेगी, हम आपको बता देंगे कि जुबिलेंट का स्टॉक ऐसा है कि जो नतीजों के दम पर बड़ी उछल कूद मचाता है, रिजल्ट्स के पहले भी, रिजल्ट के दिन भी और रिजल्ट के बाद भी, ये ऐसा स्टॉक है जो कभी भी हर तिमाही में 2-3 दिन तो इसके नाम पर रहते हैं रिजल्ट के आसपास, और इनके रिजल्ट्स भी ऐसे ही आते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े जो बड़े अनाप शनाप या तो बहुत ज़बरदस्त अच्छे आएंगे या बहुत ही कमज़ोर खराब आते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस बीच निफ्टी मजबूत है लेकिन बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से हल्का सा नरम होता हुआ दिखाया 18,000 का हाई लगाने के बाद, लगभग 100-125 पॉइंट नीचे। देवांशी तैयार है जुबिलेंट फूड के नतीजों के साथ, देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि इस बार जो सेम स्टोर सेल्स की जो ग्रोथ है ये सबसे ज़्यादा अहम रहेगी देखना, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है इसी पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। वैसे आप देखिए इस बार काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड अनुमान आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ओवरऑल जो एवरेज है वो करीब 5-6% नेगेटिव ट्रिपल SG ग्रोथ आने का ही अनुमान बनता हुआ दिख रहा है। अगर नेगेटिव 3% से ऊपर कुछ भी आता है तो ये पॉजिटिव होगा जुबिलेंट फूड के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि मार्च के आखिरी के 10 से 12 दिन में सबसे ज्यादा असर होता हुआ दिखा था नेशनल लॉकडाउन का, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि जो उनके ऑर्डर्स थे वो थोड़े से कम होते हुए दिखे थे, कॉशियस अप्रोच था सबका, और इसी के चलते जो आय है करीब 1-2% ही बढ़ेगी। अब अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीब 4% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि चीज है, ब्रेड है, गेहूं है, उनकी जो कीमतें वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी थी, इसके चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा असर होगा, करीब 17% मार्जिन्स फ्लैट रहने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। मुनाफे की बात करें तो इस बार 20% मुनाफा घटता हुआ दिख सकता है, और साथ ही ये देखना होगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बदलाव किए जाएंगे, अकाउंटिंग अप्रोच में जो बदलाव किए जाएंगे, इसके चलते मार्जिन्स और एबिटा में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो नतीजे हैं वो खराबी आने या कमजोर आने की अनुमान किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन, उसके चलते जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जो डिमांड है उसको रिवाइव करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या ज्यादा डिस्काउंट्स देगी कंपनी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और साथ ही जो डंकिन और होम्स किचन है उसमें जो बेटा है उसमें किस तरह से बदलाव होता है, क्या यहाँ से थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिखता है या नहीं, इस पर नजर रहेगी, लेकिन ओवरऑल कमजोर नतीजों का अनुमान। ओके, जुबिलेंट फूड इस पर नजर रखिएगा, थोड़ी सी तेजी बन रही है नतीजों से पहले, फिर गिरावट हुई, अब फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, नतीजे किसी भी समय आ सकते हैं। पर आइए स्वागत करते हैं छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए नितिन मुरारका जी का। नितिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर जिस हिसाब से डेटा बन रहा है क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए कल के लिए मुझे SDFC लिमिटेड में कुछ काफी पॉजिटिव डेटा दिख रहा है, और SDFC लिमिटेड अभी 1615 के आसपास है, इसको इनफैक्ट हम लोगों ने रिकमेंड ऑलरेडी 1580 पे अपने क्लाइंट्स को किया है,
बट इसमें डेटा ऐसा बन रहा है, लग रहा है कि एक बार ये 1650 की तरफ जाना चाहिए। तो क्या तो आप फ्यूचर में भी ले सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं, या फिर ऑप्शन अगर 1600 की है वो भी लेके जा सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि HDFC जो अभी मार्केट में जो रैली आई है, ये 100 पॉइंट की बहुत फास्ट रैली आई है, इस रैली में मेनली HDFC लिमिटेड ने ही मूव किया है। तो मुझे लग रहा है कि HDFC लिमिटेड पे हमें बेट करना चाहिए और इसको कैरी करके जाना चाहिए, और पॉसिबल है कि ये 1650 1660 ऐसे टारगेट दे सकता है। इसमें आप 1600 की कॉल ले लें, फ्यूचर ले लें, कुछ भी ले लें, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1590 का है। ओके, स्टॉप लॉस 1590 का रहेगा, पर अगर 1600 की कॉल ले रहे हैं सर तो क्या स्ट्रेटजी होगी? प्राइस बता दे, टारगेट स्टॉप लॉस। देखिए, अगर जो भी जो एग्जैक्ट प्राइस वो मेरे पास अभी तुरंत नहीं है, आपको एक बार देखना होगा। 1600 की कॉल स्लाइटली इन द मनी है। जो भी आपका बाइंग प्राइस है उससे 50% नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट प्राइस अभी नहीं है। बट 1590 का क्या तो फ्यूचर में स्टॉप लॉस रख लें और टारगेट 1650 के आसपास रखें। और ये जो मूव होनी चाहिए बहुत फास्ट मूव होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का डेटा है, जैसा मूवमेंट है, फास्ट मूव होगी, टाइम वैल्यू का ज्यादा डिके नहीं होगा। ये मुझे लग रहा है कल तक ही हम इसको होल्ड करेंगे। तो एक बार प्राइस देख के आप ले सकते हैं 1600 की कॉल ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1600 की कॉल के ऑप्शन आप खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में भी खरीदिए। 1615 1617 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। 1650 आपका टारगेट होना चाहिए, तो कॉल के लिए भी, कॉल के प्राइस के लिए भी आप एडजस्ट कर लें फ्यूचर्स के प्राइस के साथ, और 1590 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये है HDFC पर नितिन मुरारका जी की राय। कोई और स्टॉक सर, या सिर्फ HDFC के साथ जाएंगे अभी? नहीं, ये इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा मुझे दिख रहा है, तो HDFC के साथ ही जाएंगे। अदरवाइज निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, पॉसिबल है कि कल आज 91 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, और हो सकता है कल हम लोग 90-92 की तरफ भी मूव कर जाएं, क्योंकि सुबह से ही डेटा ऐसा बन रहा है जो इंडिकेट कर रही है शॉर्ट कवरिंग। कल भी FIs ने काफी ज्यादा अपनी पोजीशन शॉर्ट कवर करी थी, तो एक पॉजिटिव डेटा बन रहा है। हो सकता है एक्सपायरी हम लोग पहुंच रहे हैं सामने, तो शॉर्ट कवरिंग आए और 9200 की तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, 9200 की तरफ मूव कर सकता है। 62 का जो कॉल ऑप्शन है HDFC का, वो इस समय 62 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लीजिएगा अगर आप HDFC की 1600 की कॉल खरीद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। पर आइए बिगुल बजाते हैं अब अनिल जी के लिए, और जान लेते हैं कि कल के 2000 के लिए उनकी रिकमेंडेशन क्या है। बाय कॉल होगा सर? दीप, थोड़ा सा आपने यहाँ पर गलत पहचान लिया, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का वक्त है। और बैंक निफ्टी 17900 पर इस वक्त स्पोर्ट लेवल पर बैंक निफ्टी ट्रेड करा है, इसे शॉर्ट करने की राय है। अब आप बोलेंगे पूरे मार्केट में सबको खरीदारी करनी है और मैं शॉर्ट करने की राय दे रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल, ये सही सुना आपने, शॉर्ट करने की राय है बैंक निफ्टी में 17900 के लेवल पर। और 17900 से 18100 इस 200 पॉइंट के रेंज में आपको जब जैसे मौका मिले यहीं से शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऊपर के लिए भी रख सकते हैं। मैं लॉजिक बता दूं शॉर्ट क्यों करना है। पिछले कुछ मिनटों में आप सोच रहे होंगे कि अचानक से क्या हो गया, क्यों मार्केट इतना तेज हुआ, क्या वजह है। उसकी वजह यह है कि अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है कि स्पेशल लिक्विडिटी फाइनेंशियल ये स्कीम NBFC के लिए और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए ये अप्रूव की गई है। इसमें कोई भी नई बात नहीं है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता तो इसका मतलब आप भूल गए, आपने तब नहीं ढंग से समझा जब वित्त मंत्री जी 5 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वित्त मंत्री जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ पहले से ही बोल चुकी है, आपको पता है उन्होंने वो 40,000 करोड़ की वो स्कीम दी थी जहाँ पर NBFCs को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लिक्विडिटी मिलेगी। तो इसमें नई बात कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी एडिशनल कुछ नहीं आया है। अगर इसी के दम पर खुश होना होता तो मार्केट पिछले हफ्ते ही खुश हो जाता। तो ये खबर कैबिनेट से, ये जो कुछ भी 5 दिनों में ऐलान हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो अपना राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, उसमें जो जो ऐलान उन्होंने किए थे वो ऐलान कैबिनेट अप्रूव कर रही है। फर्ज करें मनरेगा जैसे 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन है, अब वो कैबिनेट अप्रूव कर रही, तो आपको क्या दूसरी बार वापस उस पर खुश होना चाहिए, या आप डिसाइड करिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे लिए बेचने का लेवल एकदम परफेक्ट है। क्यों है वो मैं डेटा के लिहाज से बता रहा हूँ। देखिए, कल एक्सपायरी होनी है, ठीक है, 18,000 के लेवल पर कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दीप, 18,000 के लेवल पर, और वो 9-10 लाख शेयरों का है। तो 18,000 के एग्जैक्ट लेवल से वहीं से घुमा है मार्केट बिल्कुल। आप देखिए कैश लेवल में, आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, 18,002 का हाई है।
मैं आपको स्टॉप लॉस 18,200 का क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कल 18,175 का हाई बैंक निफ्टी ने बनाया, वहीं से परफेक्ट रिवर्सल लेवल है ये, तो 17,900 18,100 ये परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बेचना है। पहला टारगेट आपका 17,800 का तो ऑलरेडी आ चुका है, चलो छोड़ दीजिए इसको, नीचे की तरफ 17,700 पहला लेवल रखिए, और 17,700 जैसे ही आता है आपको वहां पर आपको अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आना है या 18,000 का स्टॉप लॉस कर लेना है, स्टॉप लॉस नीचे ले आइए 17,600 और 17,500 तक के टारगेट के लिए, और नीचे के लिए 17,700 17,600 17,500 ये तीन टारगेट है आज और कल के लिए, जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट लेवल से बिकवाली, बात करते करते 150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया, और उसकी वजह एक ही है, बैंक निफ्टी में जो बढ़ने की वजह है वो वजह पुरानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वजह अच्छी नहीं है खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पुरानी वजह नहीं समझ पा रहे हैं उसको नया समझकर बढ़ रहे हैं तो ये बाजार अब रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। हम इस पे आगे विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले जल्दी से एक बार अल्ट्राटेक रिजल्ट्स आ चुके हैं, अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स मैं आपके सामने रख दूं, 871 करोड़ के अनुमान के सामने 3240 करोड़ का मुनाफा, ओके देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट के साथ आया है यह मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने 3240 करोड़ का है इस वक्त, ये पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है इस वक्त अल्ट्राटेक सीमेंट में, 1,017 करोड़ का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा था वो बढ़कर 3240 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, ये है आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट। एक बार जल्दी से है ना बाकी डिटेल्स दें, उससे पहले बंसल जी सॉरी कुणाल जी तैयार हैं आप, आपका काम पूरा करिए, लेवल्स अनिल जी देखिए अभी एक ब्रेकआउट हुआ है जो कि 3500 रुपए के 3510 रुपए के ऊपर अल्ट्राटेक में हुआ है, लेकिन अभी ऑलरेडी ये स्टॉक जो है 40 रुपए भाग गया है, तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है, मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है उन्हें जरूर होल्ड करना चाहिए, 3520 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, मुझे लगता है कि 3600 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 3600 के टारगेट के लिए बने रहने की राय है, लेकिन क्योंकि स्टॉक में अभी पिछले कुछ मिनटों में बड़ा रनअप हो गया नई खरीदारी की राय नहीं है, 3600 के टारगेट से बने रहिए लॉन्ग पोजीशन पर और 3520 पर रख लें स्टॉप लॉस। ओके 3530 पर रख लें स्टॉप लॉस पर। 3240 का जो इनका ये मुनाफा आया है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स में देख रहा हूँ, अगर इनके आप पीएनएल को खोल के देखें एक डिफर्ड टैक्स मूवमेंट भी है उसकी वजह से भी आ रहा है इनको वहां पर, तो वो भी एक फैक्टर है जिसको आप करना है, अगर आप ये एक्स ऑफ डिफर्ड टैक्स लें तो थोड़े एडजस्टमेंट्स और भी इसमें हैं, तो काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं इसकी हम एक फाइनल एनालिसिस करेंगे, बट अदर इनकम भी इनकी बढ़कर आई है, 220 करोड़ रुपए की अदर इनकम भी आती हुई दिख रही है यहां पर, अगर आप पिछले कंपैरिजन की देखें तो फिर वहां पर अदर इनकम का कंपोनेंट लगभग 130 करोड़ का था, तो वहां से भी इन्हें फायदा मिल रहा है, तो हायर अदर इनकम आई है, एक टैक्स एडजस्टमेंट भी हुआ है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मुनाफे में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। आय की अगर बात करें तो 10,750 करोड़ की जो इनकी आय आई है वो 12,370 करोड़ के मुकाबले में तो गिरी है आय, और ये हमारा भी अनुमान लगाया जा रहा था कि रेवेन्यू में गिरावट आने वाली है, हमारा अनुमान था 10,116 करोड़ रुपए का, तो आय का जो अनाउंसमेंट है वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि अनुमान मुताबिक ही है, बट हाँ कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट्स की वजह से और हायर अदर इनकम की वजह से इनके मुनाफे को डेफिनेटली एक बड़ा बूस्ट मिला है, उसके और एडजस्टमेंट्स करके देखेंगे कि फाइनली एडजस्टेड पैट क्या निकल कर आता है, बट ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नंबर्स लग रहे हैं जहां तक कि अल्ट्राटेक के नतीजों का सवाल है, क्योंकि एक्सपेंसिस में भी आप देखिए तो गिरावट ही आई है इस तिमाही में, अच्छी गिरावट आई है, लगभग 1500 करोड़ की जो एक्सपेंसेस है वहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी है, तो ये तो रहे आपके लिए अल्ट्राटेक के नंबर्स, इसके और डिटेल्स हम आपके लिए अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करके निकालेंगे। मार्जिन्स का हमारा अनुमान है 20.5% का, और एबिटा हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2075 करोड़ के आसपास आना चाहिए इनका एबिटा। अल्ट्राटेक पर तो अच्छा रिएक्शन आ ही रहा है, और जैसे कि अनिल जी बोल रहे थे बाजार में हल्की सी आपने दबाव आते हुए देखा है ऊपरी स्तरों से, बल्कि अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो अब सिर्फ 250 अंक ही ऊपर है, जो थोड़ी सी एक अपमूव आई थी वो फिजल आउट हो रही है, बट हाँ निफ्टी 9050 के करीब जरूर ट्रेड कर रहा है और वहां पर होल्ड करने की भी कोशिश कर रहा है, और एनबीएफसीज में अभी भी आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्टिव हो रहे हैं, एक ट्रेडिंग स्टॉक जो वागली साहब को काफी पसंद आता है, वागली साहब जस्ट डायल पर कुछ करना चाहेंगे सर, 350 पर है इस समय, 5% की रैली ऑलरेडी दे चुका है। नहीं नहीं पांचो ये रैली मुझे सस्टेनेबल नहीं लगती, 355-357 में फिजल आउट होगी तो 5-7 रुपए के लिए ट्रेड लेने का मतलब नहीं है, स्पेसिफिकली 5% ऑलरेडी मूव आ चुकी है तो इसको अवॉइड करें।
ओके, 5% मूव ऑलरेडी आ चुकी है, तो फिर अब सेंस मेक नहीं करता है जहां तक आपके लिए जस्ट डायल का सवाल है। ये है आपके लिए राय इस समय जस्ट डायल पर एक्सपायरी ऑप्शन के लिए सुमित बगड़िया जी तैयार हैं, बिल्कुल बजाते हैं। बताए सुमित जी, एक्सपायरी के लिए क्या ट्रेड बनाएंगे? दीपांशु, दो ट्रेड है मेरे पास, एक इंडेक्स में है और एक स्टॉक में है। इंडेक्स का बात करते हैं, निफ्टी ने लोअर लेवल से शार्प रिकवरी लिया है, 9000 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 बजने आ चुका है और 9000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये सिम्टम्स और ये साइन थोड़े से पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 9000 का कॉल कल की एक्सपायरी का 70-80 रुपए के बीच में लेने का सलाह रहेगा। अभी 88-90 के आसपास चल रहा है, अभी भी ले सकते हैं, 70-80 के आसपास मिलता है तो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। नीचे में 30 रुपए या फिर 40 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी के अंदर 80 से 100 पॉइंट का अगर अपसाइड मूव कल देखने को मिलता है तो इस 9000 के कॉल का टारगेट ऊपर में 125 से 140 तक देखने को मिल सकता है। 125 से 140 के टारगेट के लिए निफ्टी का 9000 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, 40 रुपए के नीचे इस पे स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। 9000 कॉल का, 9000 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, 9040-45 पर इस वक्त निफ्टी स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर का टारगेट रखिए 125 से 140 रुपए का कल के लिए। यह है आपके लिए राय। इस बीच में आपको बता दूं, बैंक निफ्टी हमारे बात कॉल देने के बाद करीबन 200 पॉइंट नीचे आया भी है। आप या तो जो मैंने कहा है 17900 से 18100 की रेंज में बेचिए और 18200 का स्टॉप लॉस रखिए, या जिन्हें रिस्क कम रखनी है वो अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ले आए, और या फिर 18000 के आसपास जो आज का है ये वहाँ पर स्टॉप लॉस कर ले। यहाँ से भी 200 पॉइंट ऊपर है वो, तो आपको अभी भी 100 पॉइंट 75 पॉइंट आप इन द मनी है, उस हिसाब से आप अपने रिस्क को एडजस्ट करते चलें, क्योंकि मैं निफ्टी पर थोड़ा पॉजिटिव हूँ, बैंक निफ्टी पर हल्का सा नेगेटिव हूँ, तो उस लिहाज से आपको एडजस्टमेंट लेकर चले। सुमित जी का एक और है, सुमित जी दूसरा क्या, सैटेलाइट या BTST? अनिल जी ऑप्शन ही है, स्टॉक स्पेसिफिक है, अभी इंडेक्स का दिया, स्टॉक का देते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। टाटा स्टील यहाँ पे अच्छा लग रहा है, टाटा स्टील में 280 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, अभी 11-11.5 रुपए के बीच में मिल रहा है। टाटा स्टील 280 का कॉल बाय करें यहाँ पे, जिस तरह का पैटर्न बन रहा है मेटल स्टॉक्स में और टाटा स्टील में, ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील यहाँ से 1-2 दिनों में अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। नीचे में इस कॉल का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7 रुपए के आसपास, और ऊपर में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कॉल के, वो करीब करीब 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक के होंगे। टाटा स्टील 280 का कॉल बाय करें, 7 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 से 18 का टारगेट होगा। ओके, 1518 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में यहाँ पर आपके लिए है खरीदारी करने की राय। तेजी करके चलें, 280 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, 7 रुपए स्टॉप लॉस, 15 से 18 रुपए का टारगेट। आइए, आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के। आशीष जी, पहले तो एक राय, मार्केट पर आज आखिरी घंटे में अच्छी मजबूती होती हुई दिख रही है, बड़े दिनों बाद ऐसा देखा कि आखिरी घंटे में वाकई में थोड़ी ताकत दिख रही है, क्या बाजार 9200 या इसके पार जाने को तैयार है, करेक्शन पूरा कर चुका है या अब भी थोड़े खतरे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी देखिए, जो ये इवेंट खत्म हुआ उसके बाद जो बाजार की रेंज है वो नैरो होना एक एक्सपेक्टेशन के लाइंस पे ही था। अब बाजार की रेंज थोड़ी नैरो तो हो चली है, अब देर आर फैक्टर्स ऑब्वियसली, मैं अभी आपको सुन रहा था और आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट कि निफ्टी शायद यहां से थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कोई भी और पॉजिटिव न्यूज अगर आता है, क्योंकि इतने शॉर्ट्स बने हुए हैं मार्केट में कि वो 9200-9300 ऑड लेवल्स पॉसिबली, मतलब उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं, अगर आप समझ लीजिए बहुत कुछ और पॉजिटिव अगले कुछ दिनों में आया भी तो। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल्स अभी और ज्यादा परेशानी देंगे। जस्ट टू सबमिट अप अनिल जी, अगर ये एक पैकेज नहीं लग रहा था, ये बैंकिंग सिस्टम के कलैप्स को बचाने का एक SOS लग रहा था, तो वो बस आप समझ लीजिए कि किस तरह संभल गया, नहीं तो अभी तक तो बहुत कुछ ऐसा सामने आने लग जाता।
सो अभी देखिए कुछ वी आर नॉट आउट ऑफ द प्रॉब्लम, और साथ ही साथ ग्लोबल मत भूलिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत वापस से जो यूएस चाइना का जो जद्दोजहद है वो इग्नोर नहीं कर सकते हम आने वाले कुछ दिनों में. सो आई थिंक हैविंग सेड दैट, निफ्टी यहाँ पे संभलेगा. हमेशा से 9000 के स्तर ऐसे रहते हैं जहां पे थोड़ा आपको डिसाइसिव होना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे संभलेगा. लेकिन फाइनेंशियल्स में भी आर स्टिल वेरी वीक एंड बैंक निफ्टी शुड बी अ शॉर्ट फ्रॉम हियर. ओके, तो बैंक निफ्टी 18,000 के पार निकल कर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ से कमजोरी के आसार दिखते हैं. ये है राय इस वक्त आशीष जी की तरफ से. आइए कोलगेट, इसके नतीजे आने वाले हैं कल और नतीजों का अनुमान ले लेते हैं. देवांशी हमारे साथ है इस वक्त. देवांशी बताइए. बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ. जितने भी ब्रोकरेज है वो यही मान के चल रहे हैं कि कोई ज्यादा फर्क आता हुआ नहीं दिखेगा. हालांकि लॉकडाउन के चलते जैसे कि एसेंशियल आइटम्स थी तो उसकी बिक्री थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है, तो इसके चलते जो आय है वो हल्की सी बढ़ती हुई जरूर दिख सकती है, लेकिन 1150 करोड़ के आसपास जो कुल आय है वो आती हुई दिखेगी. कामकाजी मुनाफे की बात करें तो इस बार करीब 1-1.5% कामकाजी मुनाफा कम होता हुआ दिखेगा. मार्जिन इस बार करीब 27% पर फ्लैट रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, और मुनाफे की बात करें 2-3% तक मुनाफा कम होता हुआ दिखेगा. ये देखना होगा कि टैक्स का कितना बेनिफिट कंपनी को मिलता है, लेकिन कुल मिला के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हम नंबर्स में इस तिमाही में नहीं देखेंगे. मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी. सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से किस तरह से बदलाव आते हुए दिखे हैं, क्या कोई सहारा मिला है. साथ ही इनकी जो आयुर्वेद सेगमेंट है यहाँ पे काफी जो मार्केट शेयर है वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बढ़ता हुआ दिखा है, इसके चलते क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है इस पर नजर रहेगी. और साथ ही जो सप्लाई चेन है उसमें कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, कब तक नॉर्मल से वापस आती हुई दिखेगी, इसी पर नजर रहेगी. लेकिन कुल मिला के बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है, एकदम फ्लैट नंबर्स की उम्मीद इस तिमाही में कोलगेट की तरफ से. ओके, तो ये है आपके लिए कोलगेट पर आए. किरण जी, जरा कोलगेट के चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देखकर बताइए कल के लिए कोई ट्रेड बनता है. अनिल जी, ट्रेड नहीं बन रहा है अभी भी. ये भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है. एक असेंडिंग चैनल है अगर हम 7 तारीख से देखते हैं इस महीने के, तो मेरा मानना है कि इस चैनल के लोअर एंड पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद हम सपोर्ट के बहुत नजदीक है. 1335-1330 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है. रिजल्ट के बाद अगर ये लेवल्स क्रैक होते हैं तो फिर मैं मानता हूँ कि करीबन नीचे में आपको 1270 के लेवल्स देखने को मिलेंगे. तो ये लेवल क्रैक रिजल्ट के बाद होते हैं तो, और ऑन द हायर साइड 1400 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है. इधर एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिली है. जब ये कॉल 1400 क्रॉस करेगा तभी ये ऑप्शन बैरियर में कामकाज देखने को मिलेगा और फिर उधर से रैली देखने को मिलेगी. तो ये दो लेवल्स रहेंगे जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए रिजल्ट के बाद. ओके, परफेक्ट. और इस बीच जय हमारे साथ हैं. जय देना चाहते हैं एक अपडेट भी और शायद एक कॉल भी. जय, पहले अपडेट और उसके बाद बताइए कौन सा कॉल, बीटीएसटी या फिर ऑप्शन. जी बिल्कुल अनिल जी. अनिल जी, मैं कहूंगा औरोबिंदो फार्मा का जो हमारा पहला टारगेट था 700 के कॉल का, 29 का टारगेट था अनिल जी, वो अचीव हो चुका है. तो मैं कहूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज अभी मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट लाइक 29.80 का हाई बना है और हमने 29 का फर्स्ट टारगेट दिया था, वो था औरोबिंदो फार्मा. जहाँ तक डॉक्टर रेड्डी का सवाल है अनिल जी, मैं कहूंगा कि अगर आप देखिए तो 3909 का इनफैक्ट हाई लगा चुका है ये, और 3940 का हमारा टारगेट था. तो इसमें अगर ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर ट्रेड करना है स्टॉप लॉस अनिल जी तो ट्रेड भी कर सकते हैं. अच्छे लेवल्स आ गए, लगभग हमारे रिकमेंडेशन के बाद लगभग 2-2.25% का मूव आ गया. मैं कहूँगा 3869 ये एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अनिल जी, जो हमारे टारगेट से वो इंटर करेंगे. 3869 का एक स्टॉप लॉस रहेगा डॉक्टर रेड्डी में. और अब एक ऑप्शन कॉल देना चाहूंगा अनिल जी, उसका अगर आप बिगुल भजवा सकते रहेंगे ऑप्शन के लिए आपका बिगुल. जी हाँ, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई. बताएं सर. अनिल जी, ये भी एक फार्मा स्टॉक ही है. इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फार्मा में क्लियरली फॉलोइंग चैनल में से ब्रेकआउट आ चुका है. जो मैंने कहा था फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा वो आ चुका है. 9700 के आसपास जा रहा है वो इंडेक्स. और सिप्ला का 620 का कॉल ऑप्शन खरीदने की अनिल जी सलाह है. सिप्ला का 620 का कॉल ऑप्शन जो भी है वो 15.50 रुपये पे चल रहा है अनिल जी. इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 10.40 रुपये पे, मतलब करीब करीब 5 रुपये का एक नो स्टॉप लॉस रहेगा. ऊपर में जो टारगेट पहला वाला बनेगा वो 2270 एंड दूसरा टारगेट बनेगा 2520
2270 एंड 2520 के लिए सिप्ला का 620 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है अनिल जी, और ₹10.40 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ये चुनने का कारण ये है कि इसने सिमिलरली जैसे निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, ऐसे ही फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, और अगर मैं ओपन इंटरेस्ट में देखता हूँ इजाफा लगभग 9% का इजाफा हमें देखने मिला है यहाँ पे। सो प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट ब्रेकआउट है ये क्लियरली, सिप्ला में 620 का कॉल ऑप्शन लेकर चले। और ये 620 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, ₹15 में मिल रहा है, ₹10.50 के आसपास, ₹10.40 का स्टॉप लॉस लगाएं, ₹23 और ₹25 दो टारगेट ऊपर के रख ले आप सिप्ला का ऑप्शन खरीदने के लिए। और आपको याद दिला दूं सुबह सुबह आज सिप्ला खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी ने दी थी 607 में, 619 और 626 के टारगेट के लिए। बधाई कुणाल जी राकेश जी, आपको 619 का टारगेट हासिल हुआ, 626 की तरफ भी बढ़ रहा है तेजी से। बधाई एक और देनी चाहिए हमें सिप्ला के लिए आशु मदान साहब को, जिन्होंने 608 से 611 रुपए की रेंज में लेने के लिए कहा था, उन्होंने बोला भी 2-3 रुपए बढ़ गया तब भी कोई बात नहीं, अब भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उनके टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं भाई, 650-675 टाइम लगेगा वहाँ आने में, लेकिन है बड़े बड़े टारगेट कुणाल जी सॉरी आशु सर के भी। और अब जय ठक्कर भी हमारे हो गए हैं बुलिश सिप्ला पर, तो आपके लिए खरीदारी करने की राय, क्या बात है, सारे के सारे हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त सिप्ला पर है बुलिश। एक और स्टॉक आपके सामने रहते हैं L&T इन्फोटेक। अब ये स्टॉक जिसने कल अपने रिजल्ट्स भी पेश किए और आज सुबह सुबह बाय कॉल के तौर पर जयपुर वाले जैन साहब ने कहा था L&T इन्फोटेक, और एक तो वो पूरा नाम नहीं बोलते LTIS बोलते, तो जो समझता वही समझ जाता है, L&T इन्फोटेक ये है वो स्टॉक जहां पर उन्होंने खरीदारी करने की राय दी थी आपको। और आप देख सकते हैं L&T इन्फोटेक 10% की तेज दौड़ लगाता हुआ आज के सेशन में, बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक 8% मजबूत अब हो चुका है। जरा इसके चार्ट देखिए सुमित जी, कैश मार्केट का स्टॉक है L&T इन्फोटेक, 1800 के पार निकलता हुआ। ये एक चीज बताओ, ये आपके सेटेलाइट में 200-300 रुपए से ज्यादा वाले शेयर आते नहीं क्या रडार पे, L&T इन्फोटेक टाइप जैसे 1800 रुपए वाले? सुमित जी अच्छा फोन पे थे, सुमित जी शो में नहीं है। कुणाल जी सवाल आपके लिए L&T इन्फोटेक पर। अरे जी देखिए, अभी मैं L&T इन्फोटेक का ही चार्ट देख रहा था, बड़ा गैप अप आज हुआ, और उसके बाद से सबसे अच्छी बात यह है कि अनिल जी पूरे दिन इसने तेजी को बरकरार रखा है, तो चार्ट बहुत अच्छा है, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अब इन स्तरों पर नई खरीदारी की तो मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, मुझे लगता है कि यहाँ पर 1950 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। और अगर आपने आज सवेरे खरीदा है तो सबसे पहला काम ये करें कि 1780 रुपए पर 1780 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, और ऊपर 1950 तक के टारगेट बन सकते हैं, तो अभी भी बने रहने की मेरी राय रहे। ओके, बने रहें, ये है राय कुणाल जी की तरफ से इस वक्त L&T इन्फोटेक में। इसका नाम है LTIS, और एक है LTTS भी है। LTTS बंसल जी आपको पता है LTTS क्या है? अनिल जी मालूम है, इसी का एक दूसरी कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज करके कंपनी है, उसका सिंबल है LTTS। सही जवाब, क्या बात है बंसल जी, गजब, बहुत ही बढ़िया। तो LTIS, L&T इन्फोटेक, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये है दोनों ही स्टॉक, और साथ ही L&T फाइनेंस और L&T, ये चार L&T में से आशीष जी, ये चार लिस्टेड L&T में से एक ना एक तो आपको लेना ही पड़ेगा, भले आपका मूड कितना ही खराब हो, भले आपको मार्केट खराब लग रहा हो, कोई ना कोई एक तो लेना ही पड़ेगा, बताइए कौन सा लेंगे? अनिल जी सेफ बेट तो मैं अगर लेना चाहूंगा अभी तो L&T बड़े वाला ही लेना चाहूंगा, और थोड़ा लंबा नजरिया रखना चाहूंगा। एक तो बाकी कंपनियों में अगर कुछ फायदा होता है तो बड़े वाले L&T को भी फायदा होता ही है कहीं ना कहीं, वो हम समझते हैं। और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट बूस्ट है, जो नेक्स्ट डिमांड जिसके लिए हम पीछे लगे हुए हैं सरकार के लिए कि कहाँ से करेंगे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही नेक्स्ट बेट रहेगा किसी ना किसी तरीके से। आई थिंक टाइमिंग ही एक फैक्टर है कि वो कब और किस तरह के किस नेचर के अनाउंसमेंट्स आएंगे। सो आई थिंक इसीलिए L&T मुझे इन लेवल्स पे यहाँ से थोड़े लंबे नजरिए के लिए काफी अच्छा लगता है। ठीक बात है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से L&T बुरा नहीं है, 800 रुपए के आसपास। वक्त लगेगा कब बढ़ेगा, ये बार बार मत पूछना लेने के बाद कि आज ले लिया फिर अरे बढ़ेगा नहीं, कब बढ़ेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेकर इसे शांति से बैठ जाएं,
वो ज्यादा बढ़िया है। ओके, 3:10 हुए, हो सकता है बसिन साहब की तरफ से कुछ बीटीएसटी कॉल्स भी आपके लिए आए। इस बीच बाजार फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, 9050 पर निफ्टी आया है, लेकिन बैंक निफ्टी उतनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है जितनी पहले दिखा रहा था, अब 1.5% निफ्टी ज्यादा मजबूत है, निफ्टी में मजबूती है इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ध्यान में रखिए। तो तेजी होगी तो निफ्टी से होगी, मंदी होगी तो बैंक निफ्टी से होगी, ये आप दोनों एक बार नोट करके रख लीजिए। एक और स्टॉक है बड़ा इंटरेस्टिंग और वो है अदानी पावर। आज 36.85 रुपये का हाई बनाकर यहाँ पर 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट में 12% का इजाफा हुआ है, तो जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। किरण जी क्या करें, जो लोग अगर तेजी की पोजीशन लेकर फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, बेचकर निकल जाएं, एवरेज करें, क्या वापस 37 रुपये के आसपास 36-36.5 के भाव आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए अनिल जी, मैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना की सलाह दूंगा, 34.20 रुपीज कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। ये अगर निकल जाता है तो फिर मुझे लगता है कि नीचे स्तर देखने को मिलेंगे, नहीं तो और एक दो दिन कंसल्ट करेगा और फिर वापस एक बार ऊपर जाने की प्रायोरिटी है। इसने भी 4-5 दिन पहले एक सिमिलर टॉप किया था करीबन 14 तारीख को करीबन 36.40-36.50 का, कल का टॉप भी वही था, आज का टॉप भी वही है, तो एक रेजिस्टेंस बनते नजर आ रहा है और एक अच्छी रैली भी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए अदानी पावर पर राय, बेचकर निकलने में समझदारी है, ये ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए, दम नहीं है ये मानकर चले, सिमिलर टॉप बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। एक और स्टॉक है जिस पर आशीष जी आपसे राय लेना चाह रहा हूँ, वो है वेदांता, 87.50 रुपये, 87.5 ये है डीलिस्टिंग प्राइस का फ्लोर प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस, रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए होगी, जिसको जिस भाव में बेचना है बेचे, अब वही भाव उसी पर आ गया है, 88.50-88.75 लगभग इंडिकेटिव प्राइस पे, क्या यहाँ पर लेना है कि नहीं लेना है? मुझे तो अनिल जी नहीं लगता है, बिकॉज यू नो जो इवेंट प्ले आउट होने के बाद जो जिस तरीके से स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है वो क्लियरली मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड आपको मिलेगी इसके करके, और अभी भी इन्वायरमेंट जिस तरीके से अनसर्टन हुई हुई है, यू नो कंसिडरिंग कि हम ये इवेंट की वजह से स्टॉक में जाएं और पता चले किसी और कारण से यू नो स्टॉक में और नेगेटिविटी बने, सो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक यहाँ पे एक बारी के लिए जो एक बार मूव बना था फिर वापस नीचे आया, सो आई डोंट थिंक देयर इज फर्दर एनीथिंग एल्स टू लुक इनटू। वेदांता पर जब से डीलिस्टिंग का अनाउंसमेंट आया थोड़ा वॉलेटाइल रहा है स्टॉक और अब वापस उसी लेवल पर आ गया है जिसके आसपास डीलिस्टिंग रेकमेंडेड है। अभी अनिल जी एलएनटी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, एक अपडेट है आज फास्ट मनी में, दोनों एलएनटी इन्फोटेक और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज रेकमेंड किए गए थे, एलएनटी इन्फोटेक था संदीप की पिक और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज थी कुशल की पिक, और दोनों में ही आज अच्छे मूव आए हैं और टारगेट्स भी आते हुए दिखे, तो एक आपके लिए अपडेट है। एक छोटे स्टॉक पर और अपडेट ले लेते हैं, अभी कैश स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, एक स्मॉल कैप स्टॉक है प्रोजोन, इसमें काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और दिग्गज इन्वेस्टर्स इसमें अपना स्टेक ले रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, क्या है अपडेट, रिसर्च करके तैयार हैं देवांशी, बताएं देवांशी इस स्टॉक के बारे में किस तरह का एचएनआई एक्शन आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इंटरेस्टिंग स्टॉक है प्रोजोन प्रॉपर्टीज, अगर आप पिछले 2 महीने के लेवल्स देखें तो हमने देखा था कि मार्च में अगर आप देखें 27 मार्च को तो इस स्टॉक ने लो बनाया था करीब 7.25 रुपए का, और वहां से लेके अब तक ये स्टॉक दुगना हो चुका है, करीब 110% तक के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। अब उसकी वजह यह है कि मार्च तिमाही में अगर देखें तो राधाकृष्ण दमानी ने इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, ये नई स्क्रिप्ट है जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ली है और करीब 1.26% की हिस्सेदारी है इनकी। इसके अलावा अगर आप देखें तो राकेश झुंझुनवाला, इनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी था, इनमें इनका 2% का हिस्सा है जो अभी भी बरकरार है, तो ये दोनों के नाम सामने आते हुए दिखे और इसके बाद स्टॉक में लगातार तेजी हुई है। अगर आप इनके फंडामेंटल्स देखें तो इंटरेस्टिंग था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स नहीं दिखे थे, आप क्वार्टरली अगर आई की बात करें तो इस तिमाही में अगर हम तीसरे तिमाही की बात करें तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव होते हुए दिखे थे मुनाफा, जो दूसरे तिमाही में नेगेटिव था या घाटा होता हुआ दिखा था। इसके अलावा अगर आप 3 साल
पे देखें तो 73 के हाई से ये लगातार कमजोर होता हुआ दिखाता स्टॉक, और उसके बाद हमने बस अभी 2 महीने में देखा है कि ये स्टॉक में एक्शन हुआ है। पी वाइज या वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा दिख रहा है अपने पियर्स से, लेकिन अगर पॉजिटिव्स देखें तो हम ये देख रहे हैं कि सालाना आधार पर पिछले 3 साल में कंपनी ने अच्छी बढ़त दिखाई है आई में, और आरओईज काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग स्टॉक था जहां हमने देखा कि पिछले 2 महीने में ये स्टॉक दुगना होता हुआ दिखा है। बिल्कुल, 2 महीने में स्टॉक दुगना होता हुआ दिखा है। कुणाल जी, छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप है, बट दिग्गज निवेशकों से इंटरेस्ट गार्नर कर रहा है। चार्ट पर कोई ट्रेंड दिख रहा है सर? देखिए दीपांशु, इस स्टॉक में चार्ट्स बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, चार्ट तो बेहद खस्ता हाल है। ये बात सही है कि निचले स्तरों से बहुत ही शानदार परसेंटेज टर्म्स में रिकवरी आते हुए दिख रही है, 10 रुपए का शेयर 15 रुपए हो जाए तो 50% की तेजी है, लेकिन चार्ट जिस तरह का है और जिस तरह का इसका लिक्विडिटी प्रोफाइल है, स्टॉक में फ्रीज लगते हैं या तो नीचे के या ऊपर के, तो इस तरह के शेयर में मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग के लिहाज से कोई पोजिशन बनानी चाहिए। और रहा सवाल निवेश का, तो मुझे लगता है कि और बहुत बेहतर विकल्प हैं, तो मुझे लगता है कि फिलहाल इन स्तरों पर इसको अवॉइड करें ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अवॉइड करते हैं इसको, बट ऑफकोर्स आरके दमानी और राकेश झुनझुनवाला के रेडार पर ये स्टॉक जरूर है और वहां पर आपका स्टेक भी है उनका। ऑटो स्टॉक्स में आप देखिए तो भरपूर एक्शन आते हुए दिख रहा है। M&M का चार्ट पुल अप करिए, एक वर्टिकल स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स में, एकदम तेज उछाल आया था, 2-3 मिनट में एक बहुत बड़ा स्पाइक आपको आते हुए दिखा, और अब बाकी ऑटो स्टॉक से भी आपको भरपूर पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा रिवर्सल आपको आते हुए दिख रहा है जहां तक इस समय के ट्रेडिंग एक्शन का सवाल है। इसके बाद आप M&M देखिए, फिर अशोक लेलैंड देखिए और आईशर देखिए, इन तीनों में ही भरपूर एक्शन दिख रहा है। M&M में स्पाइक के बाद 411-412 के हाई के बाद अब थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। अशोक लेलैंड में एक मूव आते हुए दिख रहा है। किरण जी, अशोक लेलैंड में मूव दिख रहा है जिस तरह का ऑलरेडी अभी M&M में आते हुए दिखा है, यहां पर कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे? निचले लेवल से कोई बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी? नहीं, अशोक लेलैंड में कोई मेजर मीनिंगफुल अपसाइड नहीं देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा है। 45 एक बहुत बड़ा बैरियर है और ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो मेरा मानना है कि ये अवॉइड लिस्ट में ही रहेगा। जहाँ पे M&M की के बारे में बात कर रहे थे, तो इधर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था पर वो फेल होता नजर आ रहा है। अभी 400 का एक ब्रेकआउट लेवल था और एकदम से विद इन मिनट्स 411-413 तक गया और वापिस एक बार एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ऑटो स्टॉक्स मुझे लगता है कि एक हायर एंड ऑफ द मूव है, तो मेरा मानना है इधर थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। ओके, और इस बीच नैटको फार्मा को लेकर एक अच्छी खबर आई है। कुणाल जी, जरा चार्ट तैयार कर लीजिए और बताइए, क्योंकि इनके विशाखापट्टनम प्लांट वाइजेग इसको क्लीन चिट मिली है, ये खबर है। तो ये एक अच्छी खबर नैटको फार्मा के लिए, स्टॉक 600 रुपए के बाहर निकलता हुआ, पार निकलता हुआ, बताइए तेजी और होगी क्या? अरे जी देखिए, स्टॉक चला हुआ नहीं है तो इसमें पूरी संभावना है तेजी होने की, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन यह है कि 615 के ऊपर निकल जाए तो 615 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसी स्तर से जूझ रहा है, तो 615 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हो तो मुझे लगता है नेटको फार्मा को 645 के टारगेट के लिए बाय करें, लेकिन 615 के ऊपर ही नहीं खरीदारी करनी चाहिए। ओके, 615 के ऊपर ही नहीं खरीदारी करें, यह है राय आपके लिए। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर बड़ी तेजी बनी है और वो है टाटा पावर। क्यों है ये तेजी? रिजल्ट के बाद ऐसा क्या कुछ खास हुआ है कि कुछ बड़े अपग्रेड्स भी आ रहे हैं? ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे, टाटा पावर में क्या कुछ हो रहा है, हमारी रिसर्च टीम पूरी आपके सामने डिटेल्स देकर भी आएंगी जो आपको बताएंगी कि टाटा पावर में क्या है। अच्छा, इनफैक्ट संदीप तैयार ही हो चुके हैं, तो संदीप से पूछ लेते हैं। संदीप, बताओ टाटा पावर के बारे में। हाँ देखिए अनिल जी, रिजल्ट्स तो अच्छे हैं ही है, लेकिन उसके अलावा भी कारण है जिस वजह से आप देखिए 11 मई से लगातार स्टॉक में मोमेंटम है। जब इसने करीब 27.5 रुपये के आसपास के लोच हुए थे, मल्टी ईयर लोस पे था, वैल्यूएशन तो आकर्षक थे ही, अब आप देखिए 33-33.5 रुपये के आसपास है, यानी कि 23% के आसपास का आप देखिए जंप वहां से
बीते अगर आप देखिए तो इनफैक्ट 8-9 दिन में ही इसमें देखने को मिला है। पहली बात जैसे आप हाईलाइट करें, नंबर्स अच्छे थे, मुनाफा 2 गुना के आसपास बढ़ा, हालांकि उसमें एक वन टाइम इनकम थी, इन्होंने कुछ स्टेक बेचा है अपनी सब्सिडरी में, उसको हटा भी दें तब भी आप देखिए जो नंबर्स हम अनुमान करके चल रहे थे उससे कहीं बेहतर आए जहां तक मुनाफे के फ्रंट की बात है। दूसरी बात आप देखिए कुछ फंडामेंटली अगर आप देखिए तो बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न थे वो थोड़े से अवेट हुए हैं, खासतौर पर जब ये 3 महीने के मॉरेटोरियम की बात की गई थी आरबीआई की ओर से, तो पहले इन्होंने भी अप्रैल में एक यहाँ पे अप्रूवल मांगा था कि उन्हें मॉरेटोरियम चाहिए जो पेमेंट्स इनको करने हैं क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन बाद में जब ये कि एलटीआरओ वाला ऑप्शन भी आया इनके सामने तो उन्होंने वो ऑप्ट किया और मॉरेटोरियम की जो अर्जी है उसे वापस ले लिया। और इनफैक्ट कंपनी के जो सीएफओ उनकी ओर से एक बयान आया था कि जो कर्ज का भुगतान है वो कंपनी जारी रखेगी, उसमें किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे दिक्कतें नहीं आती हुई दिखेंगी। अब जब नंबर्स आए हैं तो कर्ज को लेकर जो कमेंट्री आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि FY21 में जो कर्ज है उसमें 42% की कमी करेंगे, कर्ज को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, एक बड़ा कंसर्न है, करीब 48 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है, लेकिन इतनी बड़ी कटौती करेंगे उसको लेकर ज्यादातर एनालिस्ट काफी ज्यादा बुलिश होते हुए दिखे हैं। और कुछ ऑर्डर फ्लो की न्यूज फ्लो की भी ऐसी खबरें हैं भी जिसमें आप देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री से करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर भी हाथ लगा था। और अब यही कारण है कि कमेंट्री बहुत अच्छी आई है, नंबर्स काफी अच्छे हैं और न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग आ रहा है ऑर्डर फ्लो को लेकर, तो जो ज्यादातर ब्रोकर्स हैं सीएलएस जैसे उनका भरोसा आप देखिए स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है। सीएलएस ने बाय की रेटिंग तो दी है, 72 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि गाइडेंस आई है कर्ज कम करने की, अगर ऐसा हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक की प्राइसिंग के लिहाज से, इसीलिए उन्होंने करीब करीब 2 गुना ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक के लिए दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुंद्रा जहां पे इनके घाटे हो रहे हैं करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के सालाना, वहां पे अगर आप देखें अब ये रेजोल्यूशन होने की एक वहां पे गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दोबारा पीपीए साइन होने की उम्मीद बढ़ती हुई चली है और मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया भी अपनी कमेंट्री में कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ये नई जो पटिशन है वो कहीं ना कहीं फाइल करते हुए दिखेंगे। वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है जैसे मैंने पहले कहा, तो ये कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से आप देखिए स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन आया है स्टॉक में, भसीन साहब ने कल इसको रेकमेंड भी किया था बीटीएसटी के तौर में और जिन लेवल से भसीन साहब ने रेकमेंड किया और जो आज का हाई था वहां पर आपको जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी थी जहां तक टाटा पावर का सवाल है। और अब ब्रोकरेजेस भी कह रही हैं कि इस पर भरोसा रखिए, आगे जाकर आपको अच्छी गेंस देखने को मिलेंगी। कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी भी आने के लिए तैयार है, वहां पर भी नजर डालेंगे और देख लेंगे कि क्या बन रहा है फाइनल व्यू जहां तक स्ट्रैटेजी है और कल एक्सपायरी का है, तो उससे पहले आपको मार्केट के लिहाज से क्या ध्यान में रखना चाहिए। पर आइए कुछ और स्टॉक्स देख लें, जैसे कि मैं बता रहा था ऑटो स्टॉक्स में तो आपको अच्छा मूव आज मिला ही है, अभी थोड़ी देर पहले पीवीआर में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। बंसल जी, पीवीआर में एक ब्रेकआउट आ रहा है 845 के लेवल्स पर आ रहा है, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है इस ब्रेकआउट के बाद, बट कुछ करना चाहिए पीवीआर की चार्ट के साथ? देखिए दीपांशु, बेहतरीन चार्ट है, कल के सत्र में अगर आप देखें तो जुलाई 2015 के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम पीवीआर के स्टॉक में देखने को मिला था, 2 दिन के हाईस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है और टेक्निकली 818-819 के स्तर थे जहां पर एक बाइंग करनी चाहिए थी, जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करें, 880 से 885 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए नई खरीदारी की राय नहीं है दीपांशु, क्योंकि कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट जिन्होंने लिया है वो होल्ड करें 880 से 885 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो एक स्ट्रांग मूव आ रहा है पीवीआर में, पर फ्रेश खरीदारी अब नहीं करनी चाहिए स्टॉक पे। चलिए बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। सर, ग्लोबल क्यूज तो और मजबूत भी हुई हैं शायद इस रिकवरी में, थोड़ा क्यूज वहां पर भी हैं क्योंकि 275 अंक ऊपर आपको इस समय डाउ फ्यूचर्स दिखेगा, 1% से ज्यादा की तेजी वहां पर है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1% ऊपर हैं इस समय। यूरोप के बाजार हालांकि इस समय फिर भी दबाव दिखा रहे हैं, तो यूरोप पर बिकवाली का प्रेशर जरूर है, पर जो अमेरिकन फ्यूचर्स हैं वहां से काफी स्ट्रांग क्यूज आ रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, दो चीज़ें, पहला तो ये कि हमारे बाजार 9050 के ऊपर क्लोज देने को तैयार हैं, तो फिर ये मजबूती अच्छी है, तो उस लिहाज से एक बार हमने ये कहा भी कि आप 9000 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कीजिए, 9125-9175 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में कल के लिए खरीदारी आपको रखनी चाहिए। तो सिंपल चीज़ है, ऑप्शन आपको सस्ते मिल रहे हैं, आप चाहें तो 9050 या 9100 का कॉल ऑप्शन खरीद कर कल के लिए जा सकते हैं, तो कल के लिए आप एक तेजी की पोजीशन निफ्टी फ्यूचर्स में बना सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरा बैंक निफ्टी में नहीं है, तो मैं बैंक निफ्टी में इसलिए आपको न्यूट्रल होने की राय दूंगा। 17900 पर हमने आपको शॉर्ट कॉल दिया था, नीचे में 17700-17750 की रेंज में आया भी, करीबन 150-200 पॉइंट नीचे आया भी, आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रख लें या फिर एक बार बैंक निफ्टी के कॉल में आज एग्जिट कर लें,
कल सुबह मूड माहौल देखकर अगर और ऊपर मिला 18,000-18,200 के आसपास तो वहाँ पर शॉर्ट करने का सोचेंगे। तो एक बार आप अपनी पोजीशन जीरो करके जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो शॉर्ट कॉल आपको दिया, आपका कॉल अभी भी प्रॉफिट में है और 150-200 पॉइंट आराम से प्रॉफिट में था ही, तो वो कर सकते हैं। तीसरी बात जो हमने जो कल आपको दिया था naukri.com InfoEdge बेचने की राय, उसमें टारगेट्स हासिल हुए लगभग आखिरी टारगेट 2300 के उसके बेहद नज़दीक पहुंचा, 2320 हमने एग्जिट कॉल भी दे दिया था, तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो सारे कॉल से एग्जिट कर सकते हैं। निफ्टी का 9100 का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर जा सकते हैं कल के लिए, हल्की सी रिस्क है, ज़्यादा रिस्क कोई है नहीं 9100 के कॉल ऑप्शन में। आप अगर खरीदना ही चाहें तो 9100 का एक कॉल ऑप्शन कल के लिए ले लीजिए, 9000 आपका स्टॉप लॉस होगा, 9125-9175 की रेंज के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। बैंक निफ्टी में मैं अभी खरीदारी की राय नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी में न्यूट्रल हो जाइए कल अगर उछाल मिला निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज जिन खबरों की वजह से बढ़ रहा है वो सारी खबरें ऑलरेडी पिछले हफ्ते वित्त मंत्री अनाउंस कर चुकी है और ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का पार्ट है, लेकिन चूंकि अभी कैबिनेट से अप्रूव हुई है और मूड माहौल थोड़ा सा ठीक है, पीटे हुए स्टॉक है, और आज आपको याद भी होगा सुबह हमने ऑलरेडी कहा ही था कि अब बैंक निफ्टी जहाँ जिन लेवल्स पर आ रहा है उन लेवल्स से नीचे हम खरीदेंगे, हमारे लिए 16,800-17,100 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो अलग बात है 17,400 से ही घूम गया, अभी तक आया नहीं उस रेंज में, लेकिन वो बिल्कुल डेफिनेटली बाय लेवल हैं, शॉर्ट कवरिंग के भी लेवल हैं, फ्रेश खरीदारी के भी लेवल हैं, तो नीचे के लेवल्स भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए अब लोअर लेवल पे शॉर्ट करने में थोड़ा सा रुकेंगे, ऊपर के लेवल पर आएंगे तो फिर वापस बेचने की राय होगी। लेकिन फिलहाल पॉइंट सिंपल है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन 9100 का खरीदिए, बाकी आप न्यूट्रल होके जाइए। बिल्कुल सर, तो अगर आप चाहें तो निफ्टी का 9100 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या फिर बाजार पर न्यूट्रल होकर जाएं, ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से इस समय। चलिए देखते हैं कि कैसा एक्शन होता है, आखिरी 5-6 मिनट बाकी हैं बाजार के ट्रेड के लिए। इस समय पूजा हमारे साथ हैं और एक स्पेस बाजार की जिसने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि आज की रिकवरी में ऑफकोर्स उनका थोड़ा रोल है, वो है सारे के सारे पीएसयू बैंक्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी परेशानियां बढ़ रही हैं पीएसयू बैंक्स की, और कुछ पीएसयू बैंक्स तो ऐसे हैं और जो इंडेक्स है वो मल्टी ईयर लोज पर ट्रेड कर रहा है। पूजा हमारे साथ तैयार है रिसर्च के साथ। पूजा बताइए, कितना दबाव आ चुका है इन बैंक्स पर, किन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और क्या इश्यूज हैं इधर? जी, 15 साल के निचले स्तर पर सरकारी बैंक का जो इंडेक्स है वो पहुंच चुका है और नवंबर 2004 के जो स्तर है उसके करीब अब ये सारे बैंक्स कारोबार कर रहे हैं। वजह एक कोरोना संकट का भी है जिसका कि हैंगओवर बना हुआ है इन तमाम सरकारी बैंकों में, और माना जा रहा है कि एनपीए बढ़ने का खतरा यहाँ पर आने वाले समय में और बढ़ सकता है। आईबीसी के जो केसेस थे वो कहीं ना कहीं अटकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि इन तमाम सरकारी बैंकों को एक बड़ी रिकवरी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। रिटेल और एसएमई लोन पर भी सबसे ज्यादा मार पड़ते हुए दिखाई दे सकती है और कॉर्पोरेट की तरफ से मोरेटोरियम बढ़ाने की भी मांग यहां पर संभव है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जिसका कि असर तमाम सरकारी बैंकों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनका भी एक्सपोजर कॉर्पोरेट्स में काफी ज्यादा, धीरे धीरे कम करने की कोशिश की थी लेकिन अभी भी अच्छा खासा एक्सपोजर है कॉर्पोरेट्स में भी, और मर्जर का हैंगओवर बनाए हुआ है इन तमाम सरकारी बैंकों में। अब एसबीआई की बात करेंगे तो वो 10 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, पीएनबी 17 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 11 साल, आईओबी 19 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन प्रोसेस से भी जुड़े मामले थे, पीसीए कैटेगरी में भी था ये बैंक, इस वजह से भी दिक्कतें हैं। यूनियन बैंक 17 साल के निचले स्तर पर, कैनरा बैंक को देखिए ये भी 17 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो ये तमाम ऐसे बैंक हैं जिनके लिए आगे कुछ कंसर्न्स है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोरोना के चलते भी इतना ज्यादा दबाव देखा गया और आने वाले समय में भी इनके साथ कुछ बड़े कॉर्पोरेट का हैंगओवर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे बैंक्स पर रिसर्च जो काफी निचले वाले लेवल्स पर आपके लिए ट्रेड करते दिख रहे हैं। आइए एक बिगुल भसीन साहब के लिए, भसीन साहब अपने बीटीएसटी कॉल्स के साथ तैयार हैं। तो भसीन साहब स्वागत है आपका। मार्केट तो एकदम बिल्कुल ठीक वैसे ही भाग रहे हैं जैसा आपने सुबह ही कहा था कि आखिरी घंटे में बड़ी तेज दौड़ लगाएंगे और दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद होने की तैयारी में। बताएं सर, क्या है आपके लिए आपके कॉल्स? अनिल जी, तो आपने सही फरमाया, सुबह आपको सही पकड़ा था, और एक अपडेट है जो मैंने आपको कॉल दी थी उसमें
पेज इंडस्ट्री जो 17,150 पे कहा था 18,700, उसने 18,700 मार्क कर दिया, तो बुक कर दीजिए। और 360 पे M&M 415 का दो हफ्ते का टारगेट दिया था, वो इस हफ्ते ही हो गया, तो दोनों में बुक कर लीजिए। साथ में टाटा पावर में मेरी बड़ी अच्छी कॉल थी, लेकिन मैं रीट्रेड करता हूँ, आज 33 रुपये 33 पे लीजिए। टाटा पावर का मीडियम टर्म टारगेट 45 है, और अगर आप इसे 6 महीने रखेंगे तो आई डोंट रूल आउट 50 रुपीज लेवल ऑल्सो कमिंग। इट्स द बेस्ट वैल्यू स्टॉक टू बाय एट दिस लेवल टाटा पावर। अब आप कहें तो मैं कल के लिए BTSC दूं सर। क्या बात, बिल्कुल, प्लीज प्लीज सर जल्दी से दे दें, टाइम भी कम है फटाफट। तो सर दो बाइज है, पहला फार्मा में है, फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा है, 338 to 340 का भाव है, 330 का स्टॉप लॉस रख लिया, इसमें 358 to 360 का टारगेट होना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा, दैट वुड बी माय टॉपिक। सेकंड वुड बी HDFC बैंक, 852-853 है, इसमें 840 का स्टॉप लॉस रखिए, 890 to 900 वुड बी द टारगेट। ओके, तो ये है दो बेहतरीन पिक्स। ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करनी है 338-340 की रेंज में, 330 का स्टॉप लॉस होगा, 358-360 ये दो टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में करिए खरीदारी। HDFC बैंक 852-853 के आसपास खरीदारी करिए, 840 का 840 का स्टॉप लॉस लगाइए, 890-900 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है बसिन साहब की तरफ से। तो ये है आपके लिए क्लोजिंग इस वक्त होती हुई दिख रही है बाजार की, और दो बेहतरीन पिक्स बसिन साहब की तरफ से भी। सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी बसिन साहब, लेकिन फिलहाल बाजार एकदम मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, 9,075-80 दिन के हाई पॉइंट के आसपास 9,100 की तरफ बढ़ते हुए, 9,050 के ऊपर की क्लोजिंग बाजारों को न्यूट्रल कर लिए, और अगर कल 9,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो फिर से बाजार मजबूती के लिए तैयार होते हुए दिखेंगे। तो एक अच्छा करेक्शन पूरा करके कम से कम बाजार नेगेटिव से न्यूट्रल होने की कोशिश करें। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी वो 18,000 के लेवल को पार करके नहीं टिक पाया, अभी भी बैंक निफ्टी ने वो मजबूती नहीं दिखाई जितनी निफ्टी में है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कल कुछ दिखा पाता है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, अच्छा एक और स्टॉक जो हमने आज पिक ऑफ द डे दिया था भारतीय एयरटेल की, 590 आए तो वहां पर कॉल इनिशिएट कीजिए, अब 591 के आसपास है, अगर आपने रखा है तो कल के लिए 585 का स्टॉप लॉस रखिए, और नहीं तो आप एक बार पोजीशन जीरो कर सकते हैं, 590 के आसपास ही है जहां पर आपको कॉल खरीद भारतीय एयरटेल खरीदारी करने की राय दी थी, तो बेहतर है कि आप पोजीशन जीरो करके जाएं। लेकिन खरीदारी करके जाना है आपको सिर्फ और सिर्फ 9,100 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। और इस बीच सुमित जी ने 9,000 का जो कॉल ऑप्शन दिया था, सुमित जी का टारगेट 9,000 के कॉल ऑप्शन का हासिल हो चुका है, ऐसा अपडेट सुमित जी भेज रहे हैं, तो सुमित जी का कॉल ऑप्शन पूरा होता हुआ कंप्लीट होता हुआ ये है सुमित जी की तरफ से आपके लिए ऑप्शन, वहाँ आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 9,000 के कॉल ऑप्शन में। तो बेहतरीन रिकवरी आखिरी एक घंटे में आती हुई दिख रही है, बड़े दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार ने आखिरी घंटे में मजबूती दिखाई कमजोरी के बजाय। और आज सुबह से हम कह रहे थे कि अब धीमे धीमे बाजार उन लेवल के आसपास आ रहा है जहाँ पर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी करनी है, थोड़ी खरीदारी भी करनी है, लेकिन बाजार उन लेवल से थोड़ा सा पहले से ही घूम गया, 17,100 के आसपास आता तो था, लेकिन थोड़ा उससे पहले घूमा है, थोड़ी बेहतर यहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। क्लोजिंग का वक्त है, प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने, 207 अंकों की मजबूती निफ्टी में और 447 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में आपको इस वक्त दिखेगी। 9,086 ये निफ्टी का लेवल है क्लोजिंग का, और 17,936 ये बैंक 934 बैंक निफ्टी का क्लोजिंग लेवल है। सेंसेक्स 663 अंक मजबूत होता हुआ दिखा है आज के सेशन में। कहाँ से आई मजबूती वो मैं आपको बता दूं, कौन से स्टॉक से जो आज दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे। श्री सीमेंट 6% मजबूत टॉप गेनर है आज वायदा कारोबार का। HDFC लिमिटेड 6% मजबूत। डॉक्टर रेड्डीज में 6% का उछाल आया शानदार नतीजों के बाद, और मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज खरीदारी करने की राय जो जय ने दी थी वो लगभग टारगेट हासिल होते हुए दिखे। और एक और किसकी आई थी, हाँ जय की आई थी, तो बहुत ही तगड़े कॉल जय के रिजल्ट के बाद जो डॉक्टर रेड्डीज में आए वो शानदार थे। M&M 6% मजबूत होता हुआ दिखा है। BPCL, गेल इंडिया, आयशर मोटर्स 5-5% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों की लंबी लिस्ट है। UPL, लार्सन, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, तो अच्छी खरीदारी होती दिखी है फार्मा में, ऑटो शेयरों में, NBFCs में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में होती हुई दिखी है। तो कमज़ोर क्या रहे वो भी मैं आपको बता दूं, कमज़ोर वाले शेयर भी जहां पर आज थोड़ी बिकवाली हुई है, वैसे लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है कमज़ोर शेयरों की, ज़्यादातर शेयर आज खरीदारी की तरफ ही रहे, लेकिन भारती इंफ्राटेल 7% नीचे बंद हुआ है, इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे, और हीरो मोटोकॉर्प में 2.5% का नुकसान रहा। ये आज के आपके कमज़ोर खिलाड़ी।
वायदा कारोबार की तरफ आइए, चोला फाइनेंस 8% ऊपर, बढ़ने और गिरने दोनों में लीडरशिप रहती है चोला की। LIC हाउसिंग 7% ऊपर, DLF 7% ऊपर है, पेज इंडस्ट्री इक्विटास जैसे शेयर भी 7-7% मजबूत होते हुए बंद हुए हैं। कमजोर क्या रहा है, इंफ्राटेल इंडस्ट्रीन बैंक जैसे और अदानी पावर जैसे शेयर जो आज कमजोर बंद हुए हैं। आइए देख लेते हैं अगर फाइनल क्लोजिंग आ गई है तो ठीक, नहीं आना बाकी है। तब तक मैं आपको बता दूं आज शाम 6 बजे क्या खास आयोजन है। कोरोना अब बड़े शहरों से लेकर गांव तक फैलता हुआ नजर आ रहा है, जाने अनजाने में अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ कोरोना छोटी जगहों में भी फैलता हुआ दिख रहा है और कई सारे श्रमिक ऐसे हैं जिनके कोरोना पॉजिटिव होने की अब खबरें आ रही है। मजदूरों के रिवर्स पलायन से कई राज्यों में जो अब ये दिक्कतें हो रही है, इसमें सवाल ये उठा है कि क्या कोरोना फैलने और फैलाने के जिम्मेदार सिर्फ मजदूर हैं, क्या प्रशासन से भी बड़ी चूक हुई है, क्या अभी भी गांवों में कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है या फिर बात हाथ से निकल चुकी है। इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा आप आज शाम 6 बजे। आपकी खबर आपका फ़ायदा में, अब खतरे में गांव, तो किस तरह से गांव में लोगों को अपनी सावधानी रखनी है। 5 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनके साथ मैं एक विशेष इंटरव्यू करूंगा और जानेंगे कि उत्तराखंड में टूरिज्म की जो अपार संभावनाएं हैं, बिजनेस को लेकर जो अभी लॉकडाउन में मुश्किलें उससे निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है और कोरोना के वक्त अपने नागरिकों का किस तरह से ख्याल कर रही है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या जो उत्तराखंड से बाहर निकल कर जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ एक्शन हो रहा है, इन सब पर विशेष चर्चा होगी शाम 5 बजे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये दो विशेष आयोजन हैं आज शाम के बाजार बंद होने के बाद। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई है 9066 पर आती हुई निफ्टी पर 187 अंकों की मजबूती के साथ, 17840 पर आए हैं बैंक निफ्टी पर 353 की मजबूती के साथ और सेंसेक्स आपका बंद हुआ है 622 अंक मजबूत। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही वागले साहब का भी धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथ किरण जी हैं, किरण जी का भी शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जय ठक्कर, आपका भी जय। अरे आपका बैंक निफ्टी के तो गजबी, सॉरी डॉक्टर रेड्डी ने गजब दौड़ लगा दी। जय बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट आपने पूछा था कि क्या ये 3940 का टारगेट आज ही आ जाएगा। अनिल जी मैंने तो कहा आज नहीं तो कल तक आ जाए, इनफैक्ट 3935 का तो आज ही हाई कर दिया, तो बढ़िया मूव एज एंटीसिपेटेड। यस बिल्कुल अनिल, आई है और क्या। मैंने एक चीज नोटिस की, ये वाली शर्ट आपकी बहुत अच्छी है। इस ये इस ये मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा याद आता है जब ये आप ये वाली शर्ट पहनते हैं, आपके टारगेट बड़े ये ब्लू वाली शर्ट जो है, तो ये एक ही है आपके पास। दिल जी ब्लू तो मेरा फेवरेट कलर है और ब्लू मैं कहूंगा कि आधा वार्डरोब मेरा ब्लू से ही भरा हुआ है। अरे सेम यार, मैं तो हर मुझे आप बोलो मैं 7 के 7 दिन ब्लू कलर पहन सकता हूँ। वाह गया, इधर देखिए वागले साहब भी ब्लू में हैं, बिल्कुल मैं ब्लू में हूँ, आप ब्लू में, मतलब मेरा भी फेवरेट कलर है। किरण जी ने और दीप ने ब्लू टाई लगा रखी है, अब इससे ज्यादा ब्लू क्या मिलेगा इसमें। विशेष टिप्पणी कुणाल जी की आ रही। कुणाल जी बोलिए। हाँ जय, एक मिनट पहले जय जय कुछ कह रहे हैं, जय जय पहले आप बोले उसके बाद में कुणाल जी के पास। तो खुला नीला आकाश होता ही है, मैं कहूंगा अनिल जी वो कहते ही है खुला नीला आकाश, उसके लिए फेवरेट होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी जी कुणाल जी जी। अनिल जी अब ये शर्ट और टाई की बात निकली है तो ये स्पष्ट कर दें अनिल जी, कल टाई लगाना है या नहीं लगानी है। कल नहीं, नहीं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, कल तो थर्सडे, थर्सडे नो टाई, एंजॉय योर लाइफ। ठीक, ओनली शर्ट और फ्राइडे टी शर्ट। अरे बिल्कुल हाँ, जब तक लॉकडाउन देश भर में नहीं खुल जाता जब तक सब देखिए, अब तो और बाकी सब छोड़िए, अब तो वागले साहब के चेहरे पे भी मुस्कान आई है कि चलिए कल टाई नहीं लगानी है, बाकी तो वागले साहब को हंसाना आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वागले साहब कल बिना टाई के आप आराम से शो कर सकते हैं फ्री होकर। जी थैंक यू अनिल जी, बिल्कुल चलिए तो कल फिर से आप सबसे होगी मुलाकात। आज आप सबको धन्यवाद।